हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो गाइस, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम का क्रैश कोर्स। ओके, एज यू वर डिमांडिंग टू मच कि सर पावर सिस्टम के बाद कंट्रोल सिस्टम कराइए, तो गाइस कंट्रोल सिस्टम लेकर आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से भाई शेयर वेयर कर दो, ये क्या हो रहा है? ओनली 22 लाइव, ये क्या हो रहा है? 100 से नीचे बात ही नहीं करता मैं बात ही अब करूंगा, पहले 100 पहुंचाओ इसको। ये कि हो क्या रहा है भाई साहब? सब बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। रवि कुमार, पेशेंस, कीप पेशेंस, इस नंबर को बढ़ाओ पहले। 27 ओनली, 100 के नीचे बात नहीं करूंगा मैं बात ही चालू नहीं कर रहा हूं। 34 अभी तक नहीं पहुंचा है भाई साहब, ये नहीं चलेगा। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अभी 41, अभी भी 100 नहीं दिख रहा है मुझे। 100 के नीचे बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ही स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। अरे कहां हो गए? अभी तो 45 पहुंचे हैं। अरे नहीं, बड़े दिन बाद क्यों देखते हो बेटा? तो इंजीनियर्स एकेडमी पे डेली आता हूं मैं शाम को 5 से 6। 62 ओनली, ये 100 कब जाएगा भाई? 100 से नीचे बात नहीं करूंगा मैं बात ही स्टार्ट नहीं करूंगा। 63 ओनली, 100 से नीचे बात ही नहीं करनी आप लोगों से मुझे। और भाई जितने लाइव हैं, अटेंडेंस नोट करवा देना। अटेंडेंस यानी लाइक के लिए बोलना नहीं पड़ेगा ना, है ना? बोलना नहीं पड़ना चाहिए, है ना? बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए। 72 ओनली, 74, काम नहीं चलेगा भाई साहब। बिलो 100 में बात ही नहीं करूंगा, स्टार्ट ही नहीं करूंगा। 87, अभी भी 100 में 13 बाकी हैं। 99, 101, हाँ अब पहुंचा है 100। ये सेंचुरी के बिना मजा नहीं आता अपने को, समझ रहे हो ना? अब जितने लाइव हो ना उतने लाइक भी कर देना, क्योंकि मुझे लाइक अभी भी कम दिख रहे हैं कंपेरेटिवली, है ना? तो जितने लाइव है उतने लाइक कर दो। अटेंडेंस अपने को आज पहले वीडियो पे 500 लाइक चाहिए, पहले बता देता हूं मैं, है ना? हाँ, ताकि शुरुआत धुआंधार होनी चाहिए, है ना? तो चलिए, 107, बहुत बढ़िया। तो 150 के आसपास आंकड़ा है अपना अभी तक का, तो इसको पहुंचाओ भाई, 500 पहुंचाना है, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो गाइज, फाइनली हम लोग क्रैश कोर्स कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करेंगे, सेम पैटर्न जैसे हमने पावर सिस्टम का भी किया था एसएससी जेईई के एग्जाम से जस्ट पहले। तो मैंने पूरा पावर सिस्टम आप लोगों को गाइज 11 डेज में करवाया था, ठीक है ना? 11 डेज, और उसके बाद एक दिन का हम लोगों ने क्या लिया था, हमारा क्विज करवाया था। गाइज इन द सेम पैटर्न, जो आप लोगों का पावर सिस्टम का पैटर्न था, इसी सेम पैटर्न में गाइज हम लोग कंट्रोल सिस्टम करने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम गाइज, मैं आप लोगों का पूरे कंट्रोल सिस्टम को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टोटल 6 चैप्टर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? 6 डेज हम लोग बात करेंगे, हियर इट इज, ओके? और एक दिन आप लोगों का क्विज हो जाएगा, 1 डे इज योर क्विज, ठीक है? 128 लाइव भाई, 150 लाइव चाहिए मुझे, है ना? हाँ, अभी के अंदर फटाफट से। हाँ भाई, तो 6 दिन तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 दिन तक तो हम हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम का जितना भी है कंटेंट उसको स्टडी करेंगे, और एक दिन हमारा लास्ट में क्विज रखेंगे हम लोग। तो फिक्स 1 वीक का प्रोग्राम है गाइज अपना। आज मंडे है और हमारे संडे तक का 7 दिन का प्रोग्राम है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना? अब इन 6 दिन और प्लस 7वें दिन तो हमारा क्विज है, तो 6 दिन इतना बढ़िया पढ़ो कि क्विज खेलने में मजा आ जाए संडे को, ठीक है ना? अब इन 6 दिन में हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है कंट्रोल सिस्टम का? तो गाइज इस 6 दिन में लगभग मैं आप लोगों को 1.5 घंटे से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, वो आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है ना? और चैप्टर की स्ट्रेंथ पर है। सर इस 1.5 से 2 घंटे में आप क्या कराने वाले हो? तो पहली बात तो मैं 6 दिन पढ़ाऊंगा, यानी 12 घंटे पढ़ाऊंगा खींच के, नहीं तो 10 घंटे मान के चलो एवरेज। क्या करवाने वाले हो सर 10 घंटे 12 घंटे में? तो गाइज ध्यान रखना, डेली का जो 1.5 2 घंटे क्लास चलेगी, इसमें लगभग 1 घंटा तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लगभग 1 घंटा थ्योरी पढ़ाऊंगा डेली, और बाकी का सर 1 घंटा आधा घंटा,
तो बेटा जिस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर के क्वेश्चन भी साथ के साथ कराऊंगा, नहीं तो फिर दोबारा से सीरीज लेकर आनी पड़ेगी तुम लोगों के लिए बेस्ट 100 या 200 क्वेश्चन की। तो इस बार दो दो बार खेलने की रखी नहीं अपन ने, क्योंकि सबसे काम का कंट्रोल सिस्टम आरएसीबी के एग्जाम के लिए आने वाला है काफी लोगों के लिए और बहुत ही नजदीक है, तो टाइम सेविंग करनी है, अभी निपटा लेना है क्वेश्चन भी। तो 1 घंटा लगभग रोज थ्योरी पढ़ेंगे और 1 घंटा लगभग रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन भी करेंगे और 1 घंटे में थ्योरी भी करेंगे। अब 1 घंटे में एक चैप्टर को निपटाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ नया बच्चा नहीं चाहिए। देखो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम सीखने वाला हूं तो बेटा आप गलत जगह आ गए। कंट्रोल सिस्टम आप यहाँ नहीं सीख सकते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने सीख रखा है उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी और दूसरा रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज ही हो सकता है। आप सोचो कि मैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम सीख लूंगा, बहुत गलत हो, मैं पहले बोल देता हूँ आप गलत जगह आ गए हो। कंट्रोल सिस्टम सिखाऊंगा नहीं मैं, मैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम जिसने सीख रखी है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके दोबारा से एक बार सारे थ्योरी के कंसेप्ट यानी फॉर्मूलाज वगैरह सब रिवाइज करवाऊंगा और 1 घंटा उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस हिसाब से जनरली आप किसी भी एग्जाम में जहां पर भी कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों के कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में किस पर्टिकुलर वे में आते हैं और क्या लेवल रहता है कंट्रोल सिस्टम का, तो उसके लिए मैं डेली आप लोगों को 1 घंटे क्वेश्चन कराऊंगा उस चैप्टर के। अब सर आपने ये 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा क्वेश्चन कराओगे ये हमको को समझ में आ गया। अब ये बता दीजिए 6 चैप्टर कौन कौन से, तो ध्यान से सुनना गाइस, ये 6 दिन में कंट्रोल सिस्टम के 6 चैप्टर क्या पढ़ने वाले हो। तो गाइस चैप्टर नंबर 1 या पहले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे गाइस आज हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन, हियर इट इज। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर गाइस? क्लियर, तो ध्यान से समझना, दिस इज चैप्टर नंबर 2 हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग गाइस टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, हियर इट इज, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, हियर इट इज। और गाइस मैं इसी के साथ आपको कंट्रोलर भी इसी में पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा देंगे? कंट्रोलर, छोटा सा टॉपिक है, कंट्रोलर इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 3 यानी कि थर्ड डे आप क्या पढ़ाएंगे, तो तीसरे दिन गाइस मैं आपको स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा जिसमें आपके 2 चैप्टर कवर करूंगा एक साथ, राउ थेरे और रूट लोकस। तो स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? राउ थेरे एंड रूट लोकस, क्लियर है गाइस। चैप्टर नंबर 4 यानी कि चौथे दिन सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गाइस फोर्थ डे हम लोग पूरा फ्रिक्वेंसी डोमेन पढ़ेंगे। सर फ्रिक्वेंसी डोमेन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, तो बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं आप लोगों को बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट, ये तीनों चीजें पढ़ाऊंगा, क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे गाइस, जिसमें मैं आप लोगों को कंपनसेटर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कंपनसेटर, हियर इट इज। और लास्ट 6ठे दिन हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टेट स्पेस एनालिसिस भी देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो आप लोगों को आई थिंक 6 दिन का शेड्यूल मिल चुका है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप बीच में ये मुझसे पूछें कि सर अब क्या होगा, सर कौन सा चैप्टर चलेगा, सर आप क्या क्या करवाओगे, इसमें क्या क्या कवर करोगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, क्लियर है ना? सब बताऊंगा चित्रांशु, कीप पेशेंस, गहरी सांस लो, है ना, और फिर उसको छोड़ना मत, है ना। इतने में तो इतना पेशेंस रखोगे हो जाएगा काम, है ना, तुम्हारा भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, सही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ध्यान से सुनते जाइए बस। सो द थिंग इज दैट कि हम लोग 6 दिन तक कंप्लीट पढ़ेंगे गाइस और 7th डे यानी संडे को हम लोग क्विज करने वाले हैं। डेली 1 घंटा थ्योरी चलेगी, 1 घंटा क्वेश्चन चलेंगे। 1 घंटे में थ्योरी किसी भी चैप्टर की से रिवाइज ही करवाऊंगा, तो कोई भी मत सोचना कि मैं यहाँ आज पढ़ने वाला हूँ, मैं कंट्रोल सिस्टम सीखने वाला हूँ। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि रोज का 1 घंटा 6 दिन यानी 6 घंटे में आप कंट्रोल सिस्टम सीख सकते हो, सीखोगे नहीं, सिर्फ रिवाइज होगी। तो जिन लोगों ने एक बार पढ़ रखा है उनके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्लियर है? चलिए, तो गाइस आज का सबसे पहला सेशन हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारे फर्स्ट चैप्टर ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है गाइस? अगर किसी को कोई क्वेरी हो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फुल्ली एक्सप्लेन रहे कि क्या होने वाला है, तो आगे जाके आप कभी दोबारा पूछे नहीं। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, बिल्कुल अनुपम सब हो जाए, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसकी टेंशन मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए 150 क्रॉस हो गए, बिल्कुल 150 होने भी चाहिए, क्लियर है? चलें आगे,
बिल्कुल टू पॉइंट ही बात करेंगे बेटा, टेंशन मत लो आप, शुरू करें ठीक है। आरएसीबी में सब में बेटा आप लोगों के 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 में से 5 से 6 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से रहते हैं ठीक है बेटा। आरएसीबी में युवराज कितने रहते हैं बेटा, 5 से 6 या 7 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के रहते हैं। हर एग्जाम में जिसमें कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडेड है ध्यान रखना 6 से 7 क्वेश्चन लगभग रहते हैं ठीक है ना। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। तो बीच में और कोई मैसेज मत कीजिएगा, जैसे कि कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर पटना सेंटर कब खुलेगा। बेटा मैं तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने आया था ना, पटना सेंटर खोलने थोड़े ना आया था, है ना। उसके लिए तो आपको नंबर वंबर दे रखे हैं, बात बात कर लो। तो बीच में कोई भी मैसेज ना करें, अदरवाइज आपको याद है मेरा नेचर, मैं ब्लॉक करने में 2 सेकंड भी नहीं लगाता हूं, है ना, फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो फुल्ली यहां पर मैं, क्योंकि मैं बार बार कमेंट नहीं देख सकता हूं, है ना, तो फुल्ली यहां पर कॉन्सेंट्रेट करें, ओवरऑल पढ़ें और आंसर दीजिएगा जब लास्ट के 1 घंटे में आपसे आपके साथ खेलूंगा क्या क्वेश्चन वाला हमारा क्विज टाइप में जो है ठीक है ना। तो बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है बीच में ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं गाइज, कंट्रोल सिस्टम का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो गाइज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। गाइज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। वहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज 2 पॉइंट बात करूंगा गाइज, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करूं गाइज, तो हमारे पास ओपन लूप सिस्टम की अगर मैं बात करूं, दिस इज ओपन लूप सिस्टम, हियर इट इज, हियर इट इज गाइज। ओपन लूप सिस्टम में हमारे पास सिस्टम क्या है, दिस इज अवर सिस्टम, हियर इट इज, हियर इट इज गाइज। हम इसको एक पर्टिकुलर इनपुट दे रहे हैं और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर आउटपुट है। अब जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हम लोगों को अकर कभी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी सिस्टम पर हमेशा एक्सटर्नल यानी बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या नॉइज का इफेक्ट हमेशा होता है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस और नॉइज, हियर इट इज, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या आप इसे गाइज नॉइज भी कह सकते हैं, हियर इट इज। तो ये सबसे पहला, जितने भी ग्रीन कलर में लिखूंगा दीज आर अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पर इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस का मेन वजह कौन होता है, तो मेन वजह होता है एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या नॉइस। इनपुट और आउटपुट के बीच में ये एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या नॉइस जो भी इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, इनपुट और आउटपुट के बीच के इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, एरर। मान लीजिए आप लोगों ने यहां से इनपुट दिया 10, तो आपका आउटपुट आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा 8 या 9। सर बाकी का 2 किधर डिस्टॉर्ट हो गया, तो वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से गड़बड़ा गया, यानी कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो गया, क्लियर है। तो गाइस ध्यान रखें, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या नॉइस की वजह से ही क्या मिलती है, एरर मिलती है। अभी क्लोज लूप बनाऊंगा तो वहां लिखूंगा। ओके, इस ओपन लूप सिस्टम के गाइस हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और यहां क्लोज लूप सिस्टम के कुछ पॉइंट्स होंगे। गाइस अगर मैं इस ओपन लूप की जगह क्लोज लूप सिस्टम बनाऊं तो पूरा डिस्क्राइब ना करते हुए मैं सीधे डायग्राम बनाते हुए समझाऊंगा। तो गाइस क्लोज लूप सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम इनपुट जो है वो एक समिंग पॉइंट को देते हैं और फिर हमारे पास यहां पर एक कंट्रोलर लगा होता है। जनरली क्या लगा होता है गाइस, कंट्रोलर, हियर इट इज कंट्रोलर, हियर इट इज कंट्रोलर। और कंट्रोलर से हम लोग इसको देते हैं हमारे फिजिकल सिस्टम पर इनपुट और गाइस ये हमारे पास आउटपुट। और इस आउटपुट को गाइस हम लोग सेंसर के थ्रू सेंस करके, किसके थ्रू, सेंसर के थ्रू सेंस करके किसके पास लेकर आते हैं, कंपैरेटर के पास, और यहां पर माइनस लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा अब पूरी बात को, ग्रीन कलर से बोर्ड भरने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पर आने वाले हैं। क्या गाइस बताइए, हमारे आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करवाने का काम कौन करता है, कंपेरेटर। तो गाइस बताओ, सेंसर हमारे आउटपुट को सेंस करके यहां लाएगा, सो दिस इज अवर आउटपुट, यस दिस इज अवर आउटपुट। तो सेंसर आउटपुट से क्या करके सेंस करके लाया, आउटपुट को। गाइस बताइए यहां पर जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, तो गाइस बताओ इनपुट प्लस का और आउटपुट माइनस का, इनपुट माइनस आउटपुट गाइस एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, एरर। गाइस बताओ एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सर एरर होती है इनपुट माइनस आउटपुट। सेकंड चैप्टर में इसका फॉर्मूलाज वगैरह सब देखेंगे, तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एरर क्या होती है,
इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस, जितना भी ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, लिसन वेरी केयरफुली गाइस। बताइए हमारे सिस्टम पर कौन सा नॉइस या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हमेशा रहता है और उसी की वजह से इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस यानी एरर आती है। तो गाइस ध्यान रखना, नॉइस की वजह से ही सिस्टम में क्या जनरेट होती है? एरर। अब इस एरर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कंट्रोलर। ध्यान रखना गाइस, कंट्रोलर का इनपुट कौन होता है? एरर सिग्नल। कंट्रोलर का इनपुट कौन होता है? एरर सिग्नल। और कंट्रोलर का आउटपुट, ध्यान रखना गाइस, कंट्रोलर के आउटपुट को हम लोग एक्चुएटिंग, क्या कहते हैं गाइस? एक्चुएटिंग और मॉडलिंग सिग्नल कहते हैं। और मॉडलिंग सिग्नल, मॉडलिंग सिग्नल मैं इसको कंट्रोलर में भी लिखवाऊंगा, यहां पर देखते चलें ताकि आप लोगों को वहां पर झट से समझ में आ जाए। तो कंट्रोलर का इनपुट क्या होता है? एरर सिग्नल। और कंट्रोलर का आउटपुट क्या होता है? एक्चुएटिंग और मॉडलिंग सिग्नल। गाइज हमारे हमारा एक कंट्रोलर हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच के डिफरेंस यानी एरर को क्या करने का काम करता है? जीरो बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? जीरो बनाने का काम करता है। ठीक है गाइज, इन दोनों सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अभी तक जितना लिखा उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या, कि हमारे सिस्टम में एरर की मेन वजह कौन होती है? एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या नॉइज हमारे सिस्टम में एरर की वजह होती है। ठीक है, इस एरर को निकालने के लिए, एरर को निकालने का काम कौन करता है? ये समिंग पॉइंट गाइज, इसे हम कंपेरेटर कहते हैं। तो गाइज कंपेरेटर हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच के डिफरेंस यानी एरर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब एरर को कंट्रोलर कैसे काम कम करेगा वो हम लोग कंट्रोलर में पढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझते जाइएगा। मयूर पढ़ाई पे ध्यान दो, अदरवाइज आप ब्लॉक हो सकते हो। ठीक है, और ये कश्यप, कश्यप शांति, ठीक है, पहले बोल चुका हूं। गाइस ध्यान रखें, हमारे पास दो सिस्टम है। सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम में बात करूं तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ एरर को जीरो बना दिया जाता है, बट यहाँ एरर जीरो नहीं हो सकती। गाइस यहाँ एरर जीरो बना दिया जाएगा, इसलिए ये सिस्टम हमारा मोर एक्यूरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोर एक्यूरेट। और जबकि इसको क्या लिखेंगे? लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ एरर जीरो नहीं बनाई जा सकती। सेकंड पॉइंट पर बात करूंगा गाइस। गाइस बताओ इसमें डिस्टोर्शन ज्यादा होगा कि कम? इसमें डिस्टोर्शन का इफेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाता है। एरर को जीरो बनाने का मतलब है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, हियर इट इज। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है गाइस, मैं पहले बता देता हूं। और यहां पर कैन नॉट रिड्यूस द, कैन नॉट रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, हियर इट इज। ओके, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा आगे चलूंगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइज। ये सिस्टम हमारे पास, इस सिस्टम में हमारे पास इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस लगभग हम खत्म कर देते हैं, यानी ये हमारा मोर लीनियर होता है। ठीक है ना, या आप कह सकते हो लेस नॉन लीनियरिटी या नो इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी, है ना, या लेस ही लिख दीजिए, लेस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी, लेस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी। यहाँ नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट होता ही नहीं है, यानी सिस्टम क्या रहता है? लीनियर रहता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस आप लोगों को जीरो मिलेगा, यानी इनपुट और आउटपुट आप लोगों के सेम पैटर्न में होंगे। ठीक है, जबकि यहां अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? मोर, मोर इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी। यहां पर नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है सर, और कुछ? गाइज ध्यान से समझना, हमारा आगे जाके सेंसिटिविटी नाम से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें गाइज लिखा होगा, गाइज ओपन लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो गाइज ध्यान रखना, ध्यान रखना, हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, लगभग कितना परसेंट? तो गाइज ध्यान रखना 100%। जबकि इसके कंपेरिजन में मैं इसमें बात करूं तो गाइज ध्यान रखना, क्लोज लूप सिस्टम में हमारे पास लेस सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिविटी। और ध्यान रखना गाइज, सेंसिटिविटी का ज्यादा होना अच्छा नहीं है, मेजरमेंट में अच्छा होता है, बट कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी ज्यादा होना अच्छा नहीं है। गाइज कुछ पॉइंट्स और बात करना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट्स और बात करना चाहूंगा गाइज, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ एज अ पॉइंट लिख रहा हूँ, इट्स अबाउट बैंडविड्थ गाइज। ध्यान रखना गाइज, यहाँ पर हमारे पास लेस बैंडविड्थ होती है, लेस बैंडविड्थ होती है, हियर इट इज, लेस बैंडविड्थ, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। और गाइज यहाँ मोर बैंडविड्थ या हाई बैंडविड्थ लिख देते हैं ना, हाई बैंडविड्थ, लार्ज बैंडविड्थ लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड, लार्ज बैंडविड्थ।
तो गाइस यहां बैंडविड्थ इंक्रीज होती है ना लार्ज बैंड हियर इट इज. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. नाउ द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द स्टेबिलिटी. गाइस ध्यान रखें ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल. आप लोगों ने अगर एक बात नोटिस की हो तो गाइज हर चीज में अभी तक ये सिस्टम सबसे अच्छा था. एक्यूरेट भी मस्त है, डिस्टॉर्शन का इफेक्ट बहुत कम, नॉन लिनियरिटी भी बिल्कुल भी नहीं है, सेंसिटिविटी भी बहुत कम सेंसिटिव है, बैंडविड्थ हमारी अच्छी खासी है, सब कुछ परफेक्ट था. बट हियर इज अ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम कि यहां हमारे पास सिस्टम मोर स्टेबल होता है. और ये पहला पॉइंट है जो इसका डिसएडवांटेज बनकर आया है कि ये सिस्टम लेस स्टेबल होता है. क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम के साथ एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है. क्लियर होगा. एक गेन भी लिख लीजिए गाइज, ध्यान रखना गाइज इसका गेन जो होता है वो ज्यादा होता है, गेन मोर. और अगर इसके बारे में बात करूं तो सेवंथ पॉइंट यहां बात करूं तो गाइस ध्यान रखना इसमें हमारे पास गेन होता है जी और इसमें जी अपॉन वन प्लस जी, तो इसका गेन रिड्यूस हो जाता है. ठीक है ना, ये आपका गेन मोर या गेन लो. गाइस इन पॉइंट के अलावा ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में कोई थ्योरिटिकल कोई भी क्वेश्चन इन जो पॉइंट्स के अलावा बताए हो तो देख लेना, एक भी पॉइंट मिल जाए तो मुझे भेज देना, आई गारंटेड फॉर दैट. इन सात पॉइंट के अलावा ओपन लूप और क्लोज लूप में एक भी थ्योरेटिकल पॉइंट आपको किसी भी एग्जाम का कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, देयर इज नो अदर पॉइंट. गाइस स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे. दिस इज अबाउट द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम. स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे. क्लियर है. नहीं मोहित, आप गेट के सिलेबस पे जा रहे हो, एक्चुएटिंग एरर यहां नहीं बताएंगे. वो एक्चुएटिंग एरर ये नहीं होती है ना. क्लियर है गाइस एवरीवन? क्लियर. स्क्रीनशॉट है का 1 2 3. क्लियर. आइए गाइस, तो गाइस दिस इज अबाउट द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम जो सारे यहां मैंने कवर कर दिए हैं. ठीक है, डेली कितनी देर की क्लास होगी? आयुष क्लास को स्टार्टिंग से देखना बेटा, सब बताया हुआ है ना क्लास खत्म होने के बाद, बीच में अभी कुछ नहीं बोलना है. ठीक है आयुष, पढ़ाई करो बेटा. तो गाइज बताइए, अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रांसफर फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो गाइज सबसे पहले आपको ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखना गाइज, दिस इज आउटपुट इन एस डोमेन अपॉन इनपुट इन एस डोमेन अपॉन इनपुट इन एस डोमेन. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसके साथ मस्ट कंडीशन की हमारा इनिशियल कंडीशन ट्रांसफर फंक्शन निकालते समय इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए गाइज, तो इनिशियल कंडीशन होना चाहिए हमारा जीरो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. हियर इट इज. नाउ ट्रांसफर फंक्शन निकालते समय हमारे पास मस्ट कंडीशन क्या है कि सर आई कंप्लीटेड सब्जेक्ट टू वे बट नाउ आई एम रिवाइज. बेटा चिराग बाद में बात करेंगे ना, इतना लंबे लंबे मैसेज मत करो. मैंने पहले ही आपको क्लास स्टार्टिंग से पहले ही बोला गाइस, बीच में कोई भी मैसेज नहीं करेगा, है ना. हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो बोलो. ये जो ज्ञान वाली बातें ना लास्ट में करेंगे, है ना बेटा, ज्ञानवर्धक बातें बाद में करेंगे, है ना. ठीक है ना दिनेश, बाद में अवेलेबल होगा नहीं होगा लेकिन मैंने अभी तुम्हें ब्लॉक कर देना है अगर तुमने दोबारा पूछा है तो, ये बात ठीक है ना. या तो मैं तुम्हारे फालतू के सवालों के जवाब दे दूं या पढ़ा लूं. तो अब जो किसी ने बोला है ध्यान रखना, निम्बस लर्निंग की तरफ से परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे बेटा. ठीक है ना, सुख शांति से पढ़ लो, लास्ट था ये. ठीक है, तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. गाइज ट्रांसफर फंक्शन को, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो कई बार एग्जाम में पूछा गया. नाउ ट्रांसफर फंक्शन निकालने के हमारे पास तीन मेथड है. पहला ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, दूसरा सिग्नल फ्लो ग्राफ, और तीसरा है हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो गाइज सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जिसे गाइज आप शॉर्ट में BDR भी कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक. हियर इट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं गाइज, BDR. हियर इट इज. क्लियर है? ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक. तो गाइज पूरा मेथड नहीं बता सकते, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे 8 टेक्निक्स.
और उन 8 रूल्स को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, वहीं से जनरली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप लोगों का बन भी जाता है। वो 8 प्रॉपर्टीज क्या है सर? तो गाइस सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम लोग अगर यहाँ दो ब्लॉक कैस्केडेड में बनाते हैं गाइज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है गाइज, अगर दो ब्लॉक कैस्केडेड में हो, आप इसे सीरीज भी कह सकते हो गाइज। सपोज यहाँ हमारा इनपुट है गाइज, जिसे हम लोग रेफरेंस इनपुट और यहाँ CS यानी कंट्रोल्ड आउटपुट के नाम से डिनोट करते हैं। तो गाइज ध्यान रखना, आउटपुट को हम लोग जनरली CS, S डोमेन में, C का मतलब कंट्रोल्ड आउटपुट और RS का मतलब रेफरेंस इनपुट, ये हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला देते हैं गाइज। बताइए हमारे पास दो ब्लॉक कैस्केडेड में हो तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा गाइज? तो ध्यान रखना, इसका फाइनल आंसर होगा गाइज, जब दो ब्लॉक कैस्केडेड या बोल सकते हो सीरीज में हो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। दिस इज द फर्स्ट रूल व्हिच इज वेरी नेसेसरी। सेकंड गाइज, आप लोगों के पास मान लीजिए दो ब्लॉक जो हैं वो आप लोगों के सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। सपोज दीज टू ब्लॉक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो गाइज बताइए हमारे पास फाइनली हमारे पास दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। G1 भी प्लस का है, G2 भी प्लस का है, तो गाइज बताइए बी वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या बन जाएगा? G1 भी प्लस का, G2 भी प्लस का, दोनों के दोनों हमारे पास सेम पाथ में है तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। सी नंबर अगर मैं देखूं तो गाइज कैस्केडेड हो गया, सीरीज हो गया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मान लीजिए गाइज हमारे पास ये एक समिंग पॉइंट है और यहाँ पर एक और समिंग पॉइंट है, तो दो समिंग पॉइंट है गाइज। हियर इट इज गाइज। सपोज यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ माइनस का वाई है, वॉट एवर गाइज, बताओ क्या दो समिंग पॉइंट को जोड़कर एक सिंगल समिंग पॉइंट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास एक से ज्यादा समिंग पॉइंट है गाइज तो आप उनको जोड़कर एक समिंग पॉइंट बना सकते हो और एक को तोड़कर दो भी बना सकते हो। और यही सेम बात जो समिंग पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, यही सेम बात टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड है। तो गाइज इसमें आपके पास एक इनपुट माइनस एक्स और एक इनपुट माइनस वाई आ जाएगा। दिस इज जो आप लोगों को दे रखे हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई। आई थिंक ये तीन प्रॉपर्टी बहुत 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 अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ आ जाए गाइज, थोड़ा सा आगे चलेंगे। हियर इट इज। तो गाइज इन तीन प्रॉपर्टी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को सिर्फ एक रूल से ध्यान रखनी है। ध्यान से सुनना गाइज। सपोज आप लोगों के पास यहाँ समिंग पॉइंट है गाइज, ठीक है, और यहाँ आप लोगों के पास x है और यहाँ आपके पास c और यहाँ आप लोगों के पास y है। Here it is। ठीक है गाइज, ये आप लोगों का गाइज मान लीजिए ब्लॉक, पहले ब्लॉक वाला समझ लेते हैं। मान लीजिए गाइज ये आप लोगों का ब्लॉक है g और ये आप लोगों का c। गाइज आप लोगों को इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? तो गाइज मान लीजिए मैं इसमें कहूँ कि आपका ब्लॉक पहले आ जाए, समिंग पॉइंट को अगर आप पीछे शिफ्ट कर दो, समिंग पॉइंट को अगर आप पीछे शिफ्ट कर दो तो क्या चेंज होगा, ये हमसे पूछा गया। अगर आप समिंग पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर रहे हो तो गाइस ध्यान से सुनना, समिंग पॉइंट की सही जगह कहां होती है? समिंग पॉइंट की सही जगह होती है सर सर्किट में आगे, और टेक ऑफ पॉइंट की? सर टेक ऑफ पॉइंट की होती है पीछे। गाइस ध्यान रखना, ये हमारा समिंग पॉइंट और ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट। तो समिंग पॉइंट की जगह कहां होती है? आगे, और टेक ऑफ पॉइंट की जगह कहां होती है? पीछे। बताइए हमारा समिंग पॉइंट अभी कहां है? आगे। बेटा आप बताओ उसे कहां शिफ्ट कर रहे हो? पीछे। गाइस ध्यान रखना एक सिंपल सा रूल कि अगर आप किसी को सही जगह पे शिफ्ट करोगे, सही जगह पे शिफ्ट करोगे तो करना है डिवाइड, और अगर आप गलत काम करोगे यानी गलत जगह पे किसी को शिफ्ट करोगे तो गाइस ध्यान रखना क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस सही करने पर डिवाइड और गलत जगह पर ले जाने पर आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाए गाइस, बताओ आप लोग इस वक्त समिंग पॉइंट आगे यानी सही जगह पर है, आप उसे पीछे यानी गलत जगह पर शिफ्ट कर रहे हो, तो आप लोग जिस भी गेन ब्लॉक को क्रॉस कर रहे हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो गाइस ध्यान रखना चेंज क्या होगा कि यहाँ हमारे पास सर एक्स आ रहा था, बेटा आपको एक्स के साथ साथ यहाँ एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें आपको क्या लिखना है, आपको इसको जी से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्लॉक जी से मल्टीप्लाई होगा। गलत जगह पर लेकर जा रहे हो, गलत जगह पर लेकर जाओगे तो मल्टी। गलत का मतलब समिंग पॉइंट की सही जगह आगे होती है, पीछे लेके जा रहे हो, पीछे उसकी गलत जगह पर ले जाने पर क्या करना है? मल्टीप्लाई। गाइज बताओ ई पॉइंट पर बात करूंगा, मान लो अगर मुझे हमारा ये हमारा ब्लॉक पहले है और समिंग पॉइंट बाद में है, हियर इट इज गाइज, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। गाइज मुझे इसको शिफ्ट करना है, गाइज मान लीजिए मुझे समिंग पॉइंट को आगे लाना है। अब बताओ गाइज हम लोग समिंग पॉइंट को कौन सी जगह पर लेकर आए हैं? गाइज बताओ समिंग पॉइंट को हम लोग कौन सी जगह पर लेकर आए हैं? तो आई थिंक समिंग पॉइंट पीछे था,
गलत जगह पर था, हम उठाकर आगे यानी सही जगह पर ला रहे। गाइज आप सही काम कर रहे हो, सही जगह पर ला रहे हो। सही करने पर गाइज डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड का मतलब गाइज क्या है? डिवाइड का मतलब जिस गेन ब्लॉक को आपने क्रॉस किया है उससे डिवाइड करना है, यानी जी की जगह 1/g करना है। और गाइज हमारा इनपुट वही सेम है, दिस इज एक्स। गाइज यही सेम पैटर्न आपको टेक ऑफ पॉइंट के साथ भी फॉलो करना है। जब टेक ऑफ पॉइंट का सही जगह कहाँ है? पीछे। अगर आप उसको आगे लाओगे यानी कि गलत जगह पे लाओगे तो जी से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब टेक ऑफ पॉइंट को आगे से पीछे लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये चीजें क्लियर हो तो एक बार स्क्रीन शॉट लेके डन करो गाइस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट टेकन। 1, 2, 3 क्लियर। तो गाइज ई के बाद एफ प्रॉपर्टी में यहां पर बात कर रहा हूं। मान लीजिए गाइज ये आप लोगों का ब्लॉक है, मैं बता देता हूं फटाफट से। देखिए ये आप लोगों का गाइज टेक ऑफ पॉइंट है, सपोज हियर इट इज। गाइज सपोज आप टेक ऑफ पॉइंट को आगे शिफ्ट करना चाहते हो। कहां शिफ्ट करना चाहते हो? आगे। आगे का मतलब यहां हम लोग टेक ऑफ पॉइंट बनाएंगे। ये जी आप लोगों का एज इट इज है, सी, और मैं टेक ऑफ पॉइंट गाइज यहां बनाना चाहता हूं। तो आप लोगों को नया क्या करना होगा? सर हम टेक ऑफ पॉइंट की सही जगह पीछे है, हम जबरदस्ती उसको आगे यानी गलत जगह पर ला रहे हो। टेक ऑफ पॉइंट हमेशा पीछे होना चाहिए, गलत जगह पर ला रहे हो तो मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई का मतलब जी से मल्टीप्लाई करना होगा, जी से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक समझ यहाँ आ गया होगा। Here it is. Guys, E, F के बाद हमारे पास G. Guys, मान लीजिए इस बार आपका G यहाँ पर है, G यहाँ पर है, और इस बार टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों का पीछे की तरफ है, सॉरी आगे की तरफ है। गाइज इस बार पीछे शिफ्ट करना चाह रहे हो। कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हो? पीछे शिफ्ट करना चाह रहे हो। सर कैसे करें? तो गाइज लिसन वेरी केयरफुली, टेक ऑफ पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है अगर आपको, तो गाइज बताओ आप उसे पीछे यानी सही जगह पे लेके जा रहे हो। सही जगह पे ले जाने पर क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो गाइज बताइए आपको इस जी से इसको क्या करना होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इज 1/g। आई थिंक सारी प्रॉपर्टी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टी से सबसे मेन प्रॉपर्टी जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं गाइज, वो है हमारे पास ये ब्लॉक। गाइज इसमें हमारे पास समिंग पॉइंट आगे है, दिस इज, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ है गाइज, और एक हमारा फीडबैक पाथ है। हियर इट इज। लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइज। गाइज मान लीजिए मुझे इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना है जिसमें एक फॉरवर्ड पाथ और एक फीडबैक पाथ है। तो गाइज ध्यान रखना इसका आंसर हमारे पास ये होता है, एक ब्लॉक वही इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। गाइज फॉर्मूला इज फॉरवर्ड पाथ का गेन जी अपॉन 1। अब अगर नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो गाइज माइनस आ जाएगा। जस्ट अपोजिट आता है और साथ में आ जाएगा जी इंटू एच, यानी फॉरवर्ड पाथ इंटू फीडबैक पाथ। तो गाइज बताइए यहां से हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या आया? सर पॉजिटिव फीडबैक के लिए हमारे पास आया सर हमारा ट्रांसफर फंक्शन जी अपॉन 1 - gh। बहुत बढ़िया। और अगर यही बात मैं नेगेटिव फीडबैक के लिए करूं? सर अगर आप यही बात नेगेटिव फीडबैक के लिए करते हैं तो नीचे आ जाता है हमारे पास माइनस की जगह क्या बेटा? माइनस की जगह प्लस सर। Now listen very carefully. Guys, बताइए यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये हमारा छोटा है तो ओवरऑल गेन ज्यादा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहाँ नीचे प्लस है तो ओवरऑल डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा? कम। तो गाइज ध्यान रखना पॉजिटिव फीडबैक में टी यानी ओवरऑल गेन हमारा ज्यादा हो जाता है, ओवरऑल गेन। गाइज ध्यान रखना जहां गेन ज्यादा हो जाता है वहां स्टेबिलिटी कम हो जाती है और बैंडविड्थ भी कम हो जाती है हियर इट इज। और नेगेटिव फीडबैक में होता क्या है कि हमारा ओवरऑल गेन तो हमारा कम हो गया है, दैट इज ओके, बट हमारे सिस्टम में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बढ़ जाती है। बताओ गेन कम होने से ये दोनों चीजें बढ़ जाती है, हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है गाइज, और हमारी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है। तो गाइज हम लोगों ने हमारा स्टेबिलिटी और बैंडविड्थ दोनों बढ़ा सकते हैं कौन सा फीडबैक लेके? नेगेटिव फीडबैक। तो गाइज स्टेबिलिटी जिससे बढ़ रही है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट फीडबैक है। इसका मतलब पूरे कंट्रोल सिस्टम को हम बाय डिफॉल्ट कौन सा फीडबैक देते हैं? तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना गाइस पूरे कंट्रोल सिस्टम को हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और इसका मेन रीजन है हमारी स्टेबिलिटी का ज्यादा होना। कौन से फीडबैक के लिए? नेगेटिव फीडबैक के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। ये आप लोगों का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, हियर इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर गाइस? और पॉजिटिव फीडबैक के भी रिजल्ट अच्छे से याद रखिएगा गाइस। दिस इज अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेगेटिव फीडबैक है। नाउ इट इज क्लियर, देन स्क्रीन शॉट लेके डन करें गाइज। दिस इज योर BDR, दिस इज योर BDR, क्लियर टू यू? इट इज सेंसिटिविटी बेटा कंट्रोलर में आएगी गौरव, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर टू यू एवरीवन? रवि
स्लो क्या पढ़ाऊं बताओ, पढ़ा तो रही नहीं हूं मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है गाइज, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप के सारे क्वेश्चन। धनंजय पढ़ने पे ध्यान दो, किसके लिए इंपॉर्टेंट है किसके लिए बाद में बात करेंगे, ये दोनों आप लोगों ने अच्छे से लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया है। ये हमारा सेकंड गाइज, आई थिंक इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये हमारी बीडीआर की कुछ टेक्निक्स थी। ये टोटल 8 रूल्स हैं गाइज जो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है गाइज, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, क्लियर है गाइज, क्लियर, यहाँ जाइए गाइज, बीडीआर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और यहीं पर शुरू होता है एसएफजी, ठीक है गाइज, यहाँ आ जाए। सर क्वेश्चन करवा दीजिए बीडीआर के, तो बेटा क्वेश्चन का पूरा सेशन 1 घंटे का लास्ट का हमारा क्वेश्चन का ही है, ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, लिसन वेरी केयरफुली, सेकेंड टेक्निक शुरू करेंगे गाइज बीडीआर के बाद, सिग्नल फ्लो ग्राफ, क्या शुरू करेंगे गाइज, सिग्नल फ्लो ग्राफ, गाइज बताइए इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, तो गाइज इसे शॉर्ट में कहेंगे एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, नेक्स्ट मेथड, क्लियर, ध्यान से समझिए गाइज व्हाट इज अबाउट द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो गाइज सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहले अगर बात करूं तो आपको नोड बनाने आने चाहिए, नोड के लिए कुछ एग्जांपल करवाता हूं, जैसे कि सपोज मान लीजिए गाइज मैं आप लोगों से कहूं, सपोज दिस इज G1 और यहां हमारा समिंग पॉइंट बना हुआ है, चलिए थोड़ा सा मुश्किल ही ले लेता हूं पहली बार में, आप लोग इंटेलिजेंट है मुझे पूरा विश्वास है, आर एक्स दिस इज जी एंड यहाँ पर गाइज हमारे पास एच है, हियर इट इज, और गाइज मैंने यहाँ पर एक और समिंग पॉइंट ले लिया है, सपोज हियर इट इज अ पर्टिकुलर समिंग पॉइंट अगेन, और यहाँ प्लस है, यहाँ सी है, और यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से मैंने उठाया गाइज एक और, ये G1 सपोज ये G2, गाइज आपको इसका SFG बनाना है पहली बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, क्या ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी, सर अगर पहना हो कंट्रोल सिस्टम तो उसकी प्लेलिस्ट अपने कंप्लीट करवाई है, बेटा पहली बात तो हासिर मैंने पहना तो नहीं है कंट्रोल सिस्टम, मैंने तो शर्ट ही पहनी है, पता नहीं आप क्या लिखना चाह रहे हो, जो भी लिखना चाह रहे हो बेटा गहरी सांस लो और उसे अंदर ही रख लो, ठीक है, यहाँ आ जाओ गाइज, गाइज बताइए सबसे पहले हमारा समिंग पॉइंट है और उसके बाद क्या है टेक ऑफ पॉइंट, गाइज इनकी सही जगह यही होती है, क्या होती है सही जगह हमारी समिंग पॉइंट की आगे और टेक ऑफ पॉइंट की पीछे, एकदम दोनों सही जगह पे लिखे हुए हैं, तो गाइज जब ये दोनों सही जगह पर हों तो इनको दोनों को हम एक कॉमन नोड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड X1 नोड, थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइज, गाइज इसके बाद हमारे पास अगेन टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट साथ में आए, गाइज बताओ दोनों सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर है, दोनों गलत जगह पर हैं, समिंग पॉइंट आगे आना चाहिए था लेकिन टेक पीछे आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट पीछे आना चाहिए था लेकिन आगे आ रहा है, दोनों गलत जगह पर हैं इसलिए हम दोनों को अलग अलग नोड बनाएंगे गाइज, अगर सही जगह पर हो तो दोनों को कॉमन नोड बना दो और गलत जगह पर हो तो दोनों को अलग अलग नोड बनाएंगे गाइज, दिस इज अवर X2 नोड एंड दिस इज अवर X3 नोड, तो गाइज बताइए टोटल इसमें कितने नोड हैं, 3 नोड हैं, कितने नोड है गाइज, 3 नोड्स हैं, गाइज बताइए यहाँ अगर मैं इसका SFG बनाना चाहूं तो तरीका क्या है, 3 नोड हैं बना लीजिए, दैट इज X1 X2 एंड X3, हियर इट इज, गाइज बताइए यहाँ हमारा गेन कितना है, तो सबसे पहले तो ये इनपुट और आउटपुट R एंड C, गाइज बताओ X1 से X2 के बीच में गेन कितना है, सर दिस इज G1, बहुत बढ़िया, गाइज बताओ X2 से X3 के बीच में स्ट्रेट लाइन का मतलब कितना है, 1, गाइज बताओ G2 कहां से कहां है, X1 से X3 की तरफ, तो गाइज दिस इज अवर G2, और गाइज बताइए हमारा X2 से X1 की तरफ कौन है, माइनस का H, X2 से X1 की तरफ है माइनस का H, तो गाइज दिस इज अवर सिग्नल फ्लो ग्राफ, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का SFG बना सकते हैं। अभी सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए गाइज हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला, मिशन नहीं है बेटा, मेसन्स गेन फॉर्मूला है, मिशन टाइप मत करो, कौन सा फॉर्मूला है, मेसन्स गेन, और ज्ञान चाहिए नहीं बेटा, ज्ञान लेने आए हो ज्ञान लो, देना नहीं है, है ना, हाँ बांट दोगे तो कैसे काम चलेगा, लिमिटेड सीट है, ठीक है, तो ज्ञान देने का नहीं, सिर्फ ज्ञान लेने का, मेसन्स गेन फॉर्मूला, जहां पूछूं वहां बताइए, लिसन वेरी केयरफुली गाइज, मेसन्स गेन फॉर्मूला में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या देते हैं, तो गाइज ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n एफ के डेल के अपॉन डेल, सर कहना क्या चाहते हो, ये फॉर्मूला मुझे देखा देखा तो लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि नए बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये है ही नहीं, तो ध्यान से समझना गाइज, कहने का मतलब है हमारे पास ये जो k है ये क्या है, तो गाइज के तो वेरिएबल है, n तक जा रहा है, सर n क्या है, तो गाइज n है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, गाइज अगर आपको फॉरवर्ड पाथ को रिवाइज करना है तो मैं आपको फॉरवर्ड पाथ के बारे में बता दूं, फॉरवर्ड पाथ किसे कहते हैं, जो पाथ हमें इनपुट से आउटपुट तक ले जाए,
बिना किसी नोड को रिपीट किए। तो गाइस ध्यान रखना, फॉरवर्ड पाथ में कभी भी कोई नोड रिपीट नहीं करना है। अगर नोड रिपीट हुआ तो वो लूप बन जाएगा और लूप्स आर नॉट वैलिड फॉर फॉरवर्ड पाथ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। सो हमारे पास n यानी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ का रूल है इनपुट से आउटपुट जाओ बिना किसी नोड को रिपीट किए। गाइस जैसे मैं आपसे इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पाथ पूछूं, तो गाइस बताइए इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉरवर्ड पाथ क्या क्या होंगे। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पाथ पूछूं तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, सीधा सीधा चले जाओ रास्ते में, पहले जीवन फिर वन और फिर बाहर। तो गाइस जीवन और ये वन और फिर बाहर, तो ये जीवन आ गया हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। गाइस सेकंड फॉरवर्ड पाथ पूछना चाहूंगा, तो गाइस यहां से शुरू हुआ इनपुट से, तो G2 और बाहर सीधा, तो गाइस सिर्फ रास्ते में कौन आया, G2। तो गाइस पहला फॉरवर्ड पाथ स्ट्रेट वाला और एक ऊपर वाला। तो गाइस बताओ कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, दो फॉरवर्ड पाथ हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो गाइस दो फॉरवर्ड पाथ के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूला को कैसे खोलूं, तो पहले k का वैल्यू 1 पुट करोगे गाइस, तो f1 del 1 प्लस प्लस प्लस, समेशन है इसलिए प्लस। दूसरे फॉरवर्ड पाथ के लिए f2 del 2, तो दो ही फॉरवर्ड पाथ है और अपॉन del। सर इसमें ये del क्या है, तो गाइस ध्यान रखें del का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स प्लस अब दो दो के पेयर L1 L2 प्लस L2 L3, इस तरह से हमारे पास पेयर, फिर तीन तीन के पेयर, इस तरह से फॉर्मूला चलता रहेगा। तो गाइज ये डेल का फॉर्मूला है हमारे पास। सर इसमें ये L, L1, L2 ये सब क्या है, बेटा ये लूप्स होते हैं। क्या होते हैं ये लूप्स। सर इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेटा लूप्स निकालने का तरीका है जिस नोड से शुरू हुए हो अगर रिपीट उसी नोड को कर जाओ तो क्लोज्ड पाथ बनेगा, लूप बनेगा। बट इसका एक रूल है, आप जिस नोड से शुरू हुए हो सिर्फ उसी को रिपीट करना है, बीच में किसी अदर नोड को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहां बात करें तो गाइस बताओ दोबारा लौट कर आने में हेल्प कौन करेगा, फीडबैक पाथ। तो गाइस जब भी कभी आप लूप ढूंढो तो फीडबैक पाथ का सहारा लो। जैसे कि मैं इस फीडबैक पाथ माइनस एच का टर्मिनेटिंग पॉइंट देखूं तो एक्स वन है, तो गाइस मैं यहीं से शुरू हुआ तो पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चलूंगा, तो जीवन देखो एक्स वन से एक्स टू फिर दोबारा लौट कर आ गया। गाइस बताओ x1 से शुरू हुआ दोबारा लौट कर आ गया, क्लोज लूप बन गया। गाइस बताओ रास्ते में कौन कौन आया, g1 into minus h। तो गाइस पहला लूप है g1 into minus h, और कोई लूप है क्या। सर हम सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर चल के देखें, यहां से चल लो गाइस हम लोग गए g2, अब बताओ वहां से लौट के आने का रास्ता है क्या, नहीं, यानी ऊपर वाला पाथ कोई लूप नहीं बनाएगा। तो गाइस इसमें एक ही लूप होगा, कितने लूप होंगे, एक ही लूप होगा। अच्छा तो गाइज हम लोग क्या डेल में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। गाइज बताओ यहाँ से डेल का फॉर्मूला 1 माइनस एल वन, एक लूप के लिए यही बनेगा, दो होते तो एल वन प्लस एल टू आ जाता। गाइज बताइए यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एल वन का वैल्यू है जी वन एच, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये डेल का वैल्यू आ गया। सर ये एल वन एल टू इनकी कोई डेफिनेशन होती है क्या सर, जब डबल डबल साथ में लिखे होते हैं। तो गाइज ध्यान रखना L1 L2 दोनों लूप का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। सर किन हालातों में, if they are non-touching to each other, ध्यान रखना guys, ये loop pair तभी लिखना है जब आपके ये non-touching loop pair हो। सर ये non-touching क्या होता है, तो guys इस पर भी एक बार question पूछा गया है कि non-touching loop pair क्या होता है, वो loop pair जिसमें आपस में node repeat ना करे, यानी कोई common node ना हो। अगर कॉमन नोड आ जाए तो इसका मतलब हमारे दोनों लूप एक दूसरे से टच हो गए हैं। तो ध्यान रखना गाइस इसकी बहुत अच्छे से लैंग्वेज याद रखना, नॉन टचिंग लूप पेयर का मतलब होता है, नॉन टचिंग का मतलब होता है नॉट कॉमन नोड, कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट कॉमन नोड, कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, तो ये कॉमन नोड नहीं आना चाहिए, नॉन टचिंग होना चाहिए। सर इसके अलावा डेल वन डेल टू भी होता है क्या, गाइज डेल वन डेल टू जो साथ में लिखे हुए हैं गाइज इनकी डेफिनेशन भी सेम ही होती है। और सर इसमें क्या L1 L2 और इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है क्या लूप्स की, हाँ गाइज इसमें लूप की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, डेल और डेल वन का फॉर्मूला तो सेम ही है। सर क्या, तो गाइज ध्यान रखना यहाँ इन सभी लूप्स में एक कंडीशन लग जाती है कि डेल वन एफ वन के साथ आ रहा है, यानी कि इसमें बनने वाले सारे के सारे लूप फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होने चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग। तो गाइस ध्यान रखना डेल वन में सारे के सारे लूप नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, क्या 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 सर, नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ होने चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ठीक है सर, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग हो जाएंगे। और डेल टू में
सर जब डेल टू लिखेंगे तो फिर सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होने चाहिए, जैसे कि यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ आपका ये लूप भी टच कर रहा है और सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ भी एक्स वन नोड पर आपका ये वाला लूप टच कर रहा है, तो इसका मतलब गाइस डेल वन में सारे के सारे लूप जो है वो जीरो हो जाएंगे तो वन आ जाएगा, और डेल टू में भी सारे के सारे लूप जीरो हो जाएंगे तो वन आ जाएगा। गाइस ध्यान रखना 99% केस में आपके किसी भी जेई एई के एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इतने लेवल का आता है कि डेल वन डेल टू जनरली वन ही आते हैं, तो आप लोगों को डेल वन डेल टू के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है अगर कोई पहली बार देख रहा है, और अगर पहले पढ़ चुका है तो आई थिंक उसको क्लियर होगा कि डेल वन में हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग लूप देखते हैं और डेल टू में हम सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग लूप देखेंगे। क्लियर है? क्लियर गाइस, बताइए फाइनली हमारे ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो गाइस ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज एफ वन डेल वन, यहाँ लिखा हुआ है वैसे ये रहा, तो गाइस मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा यहाँ। जो गाइस बताओ एफ वन का वैल्यू कितना है, जी वन, डेल वन का वन, एफ टू का वैल्यू गाइस जी टू, और डेल टू का वन, और गाइस बताओ डेल कितना है, दिस इज वन प्लस जी वन एच वन, जी वन एच, गाइस दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल ही क्वेश्चन आप लोगों को जनरली एग्जाम में मिलता है, आप लोग अगर क्लास लिए हो कहीं पर भी, जहां पर भी आप लोगों ने कहीं पर अगर क्लास ली हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन में इशू ही नहीं होगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एसएफजी, क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, काफी लोगों ने आंसर दिया, सबने सही दिया, ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर 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 एवरीवन। ओके सो गाइस दीज आर द टू मेथड जो हम लोगों ने सीखे, कौन कौन सा मेथड, ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, बीडीआर और एसएफजी। Now the third method is mathematical modeling, guys. कौन सा method है guys? Mathematical modeling. ध्यान से समझिएगा guys. What is mathematical modeling? जो भी लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कब चलेगा, क्या है, बेटा क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना, क्लास खत्म होने के बाद अभी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा, दोबारा से स्टार्टिंग से क्लास देख लेना। अभी तक मुझे 300 लाइक भी नहीं मिले यार, 500 कब होंगे, ध्यान रखना वीडियो कंप्लीट होने से पहले 500 लाइक चाहिए बेटा, उतनी शिद्दत से अंदर से निकलेगा, मतलब कि इनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाए जाएं डेली, बेहतरीन मटेरियल लाया जाए, तो उसके लिए बेहतरीन वाले आप लोगों को फीस जमा करानी होगी, और आपकी फीस आपके लाइक्स ही है बस, और आपकी रोज 500 रुपए फीस है बेटा, यानी 500 लाइक है बस, मात्र 500, ठीक है ना, और आपके लाइव चाहिए 200, ठीक है ना, उतनी शिद्दत से आप लोग सीखोगे इस चीज को, ठीक है ना, क्लियर है? चलो क्या लाप्लास को बोलते हैं, देखो तो सुनो तो प्रिंस यार, ऐसा ज्ञान देना नहीं है, लेना है, देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूं ना क्या होता है। देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम लोग दो चीजें देखते हैं, दो तरह के सिस्टम स्टडी करते हैं, पहला हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम गाइज, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और दूसरा गाइज हम लोग स्टडी करते हैं मैकेनिकल सिस्टम, जनरली ये दो सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं। सर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, तो गाइज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग तीन कंपोनेंट R, L और C हम लोग स्टडी करते हैं, और गाइज इनमें हम दो अप्रोच लगाते हैं, या तो हम R, L, C को किस में कनेक्ट करें, सीरीज में, गाइज अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इसमें KVL लगाओगे, और अगर आप इन्हें तीनों को, अगर आप इन तीनों को गाइज पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो गाइज बताइए आप पैरेलल में इन्हें कनेक्ट करते हो तो क्या लगाओगे इनमें, KCL। तो ये दो रूल्स आप लोग इन तीनों कंपोनेंट में लगा सकते हो, कौन कौन से, या तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन या इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। गाइस ध्यान रखना जब भी कभी आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो रजिस्टर को, अगर मैं रजिस्टर की इकलौते की बात करूं तो गाइस केवीएल लगाने पर रजिस्टर का ट्रांसफर फंक्शन आर, इंडक्टर का एल एस और कैपेसिटर का 1/CS, सर ये सारे के सारे तो इनके रेस्पेक्टिव इंपीडेंस है, बिल्कुल है बेटा, एक्चुअल में जब आप इनके ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो तो गाइस ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। गाइस आप केवीएल लगा रहे हो यानी आपका आउटपुट कौन है, वोल्टेज, तो इनपुट कौन होगा, करंट, और वी अपॉन आई, और कोई नहीं गाइस जेड ही होता है, इसलिए मैंने इन तीनों के रेस्पेक्टिव इंपीडेंस लिखे हैं। और गाइस यहाँ हम लोग अगर कैलकुलेट करें ट्रांसफर फंक्शन केसीएल में, तो गाइस हम यहाँ करंट निकाल रहे हैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो गाइज ये हमारा इंपीडेंस नहीं, ये एडमिटेंस हो जाएगा, और एडमिटेंस के लिए गाइज हम आर नहीं, वन अपॉन आर, एल एस नहीं, वन अपॉन एल एस, और वन अपॉन सी एस नहीं, सी एस हम लोग कहते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें क्लियर होंगी, तो गाइज ये सीरीज और पैरेलल, नाउ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए गाइज हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं सीरीज वाले सर्किट के बारे में बात करूं, तो गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हमारा दो फैक्टर, एक तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, 1/√LC होता है गाइस, और एक डैम्पिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला गाइस R/2√
वही एल। गाइस ध्यान रखना है दोनों फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास सीरीज के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो गाइस ध्यान रखें नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम होगा 1/√LC और जीटा का फॉर्मूला 1/2R√L/C। दीज आर द डैम्पिंग रेशियो एंड ओमेगा एन। ठीक है सर, ऑनलाइन के बाद वीडियो रहेगा कि नहीं प्लीज रिप्लाई दे आप। बेटा शिवानी कोई गारंटी नहीं है, है ना, मेरे को सिर्फ इतना याद है कि कंट्रोल सिस्टम कैसे पढ़ाना है, बाकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा बेटा कि वीडियो रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओमेगा एंड जीटा। ठीक है बेटा, आई थिंक ये क्लियर होगा, हियर इट इज। क्योंकि आप जैसे ही लाइव मुझे 150 से कम दिखोगे, अभी 180 के आसपास चल रहे हो, जैसे ही 150 के नीचे जाएंगे मैं खुद ही क्लास बंद कर दूंगा, मैनेजमेंट को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि मैं बाद में देख लूंगा इस वीडियो को, तो पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे ही आप गुम वैसे मैं भी गुम, तो जैसे 150 नीचे मैं भी नीचे, ठीक है, मैंने भी पार हो जाना नीचे से एकदम, समझ रहे हो गाइस। दिस इज अबाउट ऑल ओवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसके बाहर कुछ नहीं है गाइस। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं बी, दैट इज मैकेनिकल सिस्टम, हियर इट इज मैकेनिकल सिस्टम इन मैकेनिकल मॉडल इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल सिस्टम। गाइस मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास, मैकेनिकल का मतलब होता है मोशन, जैसे यहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल में, वैसे मैकेनिकल सिस्टम में गाइस हमारे पास दो टाइप है। कौन कौन सा? तो हमारे पास दो टाइप है, जिसमें पहला है हमारा लीनियर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो गाइज हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में खुद दो सिस्टम पढ़ते हैं, पहला है लीनियर। गाइज इसी लीनियर को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज हम लोग इसको? ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं। तो लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन, गाइज लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है md2x/dt2, यानी मास के साथ तो आता है एक्सेलरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन, प्लस डैम्पर के साथ आता है एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस स्प्रिंग के साथ बिना डिफरेंशिएशन x(t) = 0। सो गाइस दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कौन सा? लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन की। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझिएगा गाइस। इस पर्टिकुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास तीन फोर्स है। सबसे पहले ये कौन सा फोर्स है? तो ध्यान रखना, दिस इज अवर इनर्शिया फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं इसको? इनर्शिया फोर्स, जिसके साथ मास के साथ एक्सेलरेशन आता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो गाइज इसको तो एक्सेलरेशन, और एक बार करूं तो वेलोसिटी। तो गाइज डैम्पर के साथ ये हमारा डैम्पिंग फोर्स आता है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स आता है। Here it is, these are the three forces. Sir, इनके लिए भी क्या जीटा और ओमेगा एन निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं गाइज। जब भी हम लीनियर सिस्टम के लिए ओमेगा एन निकालेंगे तो ध्यान रखें गाइज, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? दिस इज √K/M। और सर इसका जीटा निकालू तो इसका फॉर्मूला होगा गाइज d/2√MK। दीज आर द जीटा एंड ओमेगा एन फॉर द लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। जैसे सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए था, वैसे लीनियर के लिए निकाल चुका हूं गाइज। यहीं पर मैं बात करूंगा लीनियर के बाद रोटेशनल मोशन की। गाइज ध्यान रखें, रोटेशनल मोशन को ही हम लोग एंगुलर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज हम लोग इसी को? तो इसी को हम लोग एंगुलर मोशन भी कहते हैं। सर इसमें क्या इक्वेशन होती है? तो गाइज ध्यान रखें, रोटेशनल या एंगुलर में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो गाइज मास की जगह हमारे पास क्या होगा? मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम जनरली जे से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग इसे आई से भी डिनोट कर देते हैं गाइज, ठीक है। दिस इज d2θ/dt2। गाइज यहाँ लीनियर नहीं रोटेशनल मोशन होगा, तो यहाँ एक्स नहीं थीटा होगा, एंगल होगा। यहाँ पर सेम d θ/dt प्लस का के थीटा टी, दिस इज प्लस का के थीटा टी और इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं गाइज अगर फोर्स की फॉर्म में लिखो तो गाइज ध्यान रखना ये हमारा यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, हियर विल बी द फोर्स। और अगर रोटेशनल मोशन में बात करूं तो ये हमारा टॉर्क अप्लाई होगा, तो टॉर्क की फॉर्म में लिख दिया। तो गाइज इट विल बी द मोर बेटर वे टू रिप्रेजेंट। और आपका ओमेगा एन का फॉर्मूला गाइज सेम, सिर्फ एम की जगह आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूला में एम की जगह जे पुट करना है, सिर्फ एम की जगह जे पुट करना है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो जीटा बराबर d/2√JK। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। हियर इट इज। क्लियर है? तो गाइज हमारे पास ये लीनियर और रोटेशनल मोशन मेरे ख्याल से दोनों के दोनों क्लियर होंगे। तो गाइज ऊपर तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के जीटा ओमेगा एन, और यहाँ लीनियर और पैरेलल। अब नाउ गाइज द टाइम इज दैट कि हम हमारे इलेक्ट्रिकल
और हमारे मैकेनिकल दोनों को आपस में कोरिलेट करें। गाइज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को आपस में कोरिलेट करने के लिए हम दो एनालॉगी पढ़ते हैं, FV एनालॉगी एंड FI एनालॉगी, यानी फोर्स वोल्टेज एनालॉगी और फोर्स करंट एनालॉगी। अगर क्लियर हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके डन करो गाइज, तो मैं दोनों एनालॉगी पढ़ाता हूं। इट इज क्लियर टू यू? नॉट? इट इज स्क्रीनशॉट अगेन। ओके, यहां जाइए गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। सो गाइस, अब मैं इन दोनों को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कोरिलेट करने के लिए दो एनालॉगी बात करूंगा। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। सर यहां से क्वेश्चन क्या बनकर आता है गाइस? जो लिखवा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बाहर से मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना आप, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, दीज आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ट्रांसफर फंक्शन। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई कंसेप्ट छोड़ा जा रहा है बाई चांस, तो वो आपको क्वेश्चन में कवर करा दिया जाएगा। इसीलिए हर सेशन के बाद, यानी एक घंटे का सेशन लगभग थ्योरी और लगभग एक घंटे का सेशन जो न्यूमेरिकल रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है। गाइस फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में हमारे पास सपोज इस तरफ फोर्स है, फोर्स का मतलब एफ ऑफ टी है, मैं ये लिख देता हूँ फोर्स है। तो गाइस ध्यान रखना वोल्टेज एनालॉगी में इस तरफ होगा वोल्टेज। बहुत बढ़िया गाइज, मान लीजिए हमारे पास यहाँ तीन कंपोनेंट है एमडी के, तो गाइज यहाँ मास की जगह कौन होगा? तो मास की जगह यहाँ कौन आ जाएगा गाइज? हमारे पास आ जाएगा यहाँ इंडक्टेंस, हियर इट इज। अगर डेम्पर की जगह देखें तो गाइज रजिस्टर, और के की जगह देखें तो 1/C, दीज आर द कोफिशिएंट्स। गाइज अगर मैं यहाँ मैकेनिकल सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट बोलूं, एक्स का मतलब गाइज है डिस्प्लेसमेंट, हियर इट इज। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? तो यहां हमारे पास होगा गाइस चार्ज, चार्ज का मतलब क्या? क्यू ऑफ टी। गाइस अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो आएगा वीटी, जिसे हम लोग गाइस वेलोसिटी कह रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी, जबकि ऊपर वाला वीटी आपका वोल्टेज है गाइस। ध्यान रखना दिस इज वोल्टेज, और गाइस ये हमारा क्या है? फोर्स। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगी गाइस। इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो आ जाएगा करंट आई ऑफ टी, हियर इट इज। नाउ द लास्ट गाइज, जितने नंबर ऑफ मास होंगे मैकेनिकल सिस्टम में गाइज, उतने नंबर ऑफ यहाँ पर केवीएल लगाने पड़ेंगे, यानी लूप्स होंगे, उतने नंबर ऑफ लूप्स होंगे गाइज। दिस इज द टेबल जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में। ध्यान रखना कोई भी एग्जाम हो इस टेबल से या FI एनालॉगी की टेबल में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछा जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, दिस इज द एनालॉगी। नाउ द सेकेंड एनालॉगी इज वॉट? सो द सेकेंड एनालॉगी इज वॉट? द सेकेंड एनालॉगी इज फोर्स करंट एनालॉगी। अगर आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम आता है तो रिवाइज करो, जिसको नहीं आता है ना तो जो रोज पढ़ा रहा हूं ना एक घंटा रट लो, नहीं आता है तो रट लो, और क्या करोगे, जैसे भी करना घोट के पी जाओ, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को। फोर्स करंट एनालॉगी में गाइस बात करें तो ये आप लोगों का फोर्स एफ ऑफ टी, तो यहाँ करंट आप लोगों का आई ऑफ टी है, हियर इट इज। गाइस हमारे मैकेनिकल में वही तीन कंपोनेंट कौन कौन है? दैट इज एम डी के, हियर इट इज। गाइस यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें तो x ऑफ t, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो वेलोसिटी v ऑफ t, हियर इट इज। और अगर यहाँ बात करें लास्ट हमारे पास नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ बात कर लेंगे। तो गाइस यहाँ मास की जगह तो यहाँ तो आ जाएगा आप लोगों का c, यहाँ आ जाएगा 1/r, यहाँ आ जाएगा 1/l, यहाँ आ जाएगा आपके पास φt, φt गाइस आप लोगों का होता है फ्लक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो vt। गाइस ध्यान रखना ये है हमारे पास वोल्टेज, जबकि ये vt हमारा कौन है, ये है वेलोसिटी, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस नंबर ऑफ नोड, और इसमें गाइस ध्यान रखना एक नोड एक्स्ट्रा आएगा, और ये एक नोड एक्स्ट्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेफरेंस नोड को, और रेफरेंस को ही गाइस डेटम नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसे? डेटम नोड भी कहते हैं, रेफरेंस या डेटम नोड। गाइस बताइए ये किसके लिए एनालॉगी है? This is force current analogy. कौन किसके? Guys, इन दोनों टेबल में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। हर साल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से इन दोनों टेबल में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। मैकेनिकल सिस्टम का कौन सा एलिमेंट किसके एनालोगस है? Guys, बताओ स्प्रिंग किसके एनालोगस है? तो गाइज इसको इंडक्टेंस नहीं, इनवर्स ऑफ इंडक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इनवर्स ऑफ इंडक्टेंस, इसे इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइज, इस एनालोगी से, दोनों एनालोगी से सबसे मेन एक क्वेश्चन बनकर आता है गाइज, अगर आपको किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निकालना हो तो गाइस बताओ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो गाइस ध्यान रखना ऑर्डर निकालने का तरीका है किसी भी सिस्टम का नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट
सर ये कैसे काउंट करते हैं? तो गाइस ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टर और कैपेसिटर एल और सी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो गाइस बताइए आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एल एंड सी काउंट कर लो अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और सर मैकेनिकल सिस्टम है, तो अगर मैकेनिकल सिस्टम है तो गाइज आप लोग काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ, देखो एल और सी किसके एनालॉगस है, तो गाइज यहाँ एल मास के है, मास, और कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटेंस स्प्रिंग के है, यहाँ पर भी देख सकते हो मास कैपेसिटेंस स्प्रिंग एल। तो गाइज इसका मतलब अगर आपको किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निकालना हो, तो गाइज ध्यान रखना किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निकालना हो तो दिस इज द वे आप किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज गाइज अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों का, सपोज दिस इज द सिस्टम, मैंने आप लोगों का यहाँ पर कनेक्ट किया एक, ये आप लोगों का स्प्रिंग K1, सपोज हम लोगों ने यहाँ एक मास यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ हमारे पास एक डैम्पर लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा गाइज, हियर इट इज डैम्पर, सपोज गाइज दिस इज योर मास M1, मैंने यहाँ पर एक और स्प्रिंग कोएफिशिएंट K2 और यहाँ आप लोगों का लगा दिया D2 और यहाँ लगा दिया गाइज मास M2 और यहाँ फोर्स लगा दिया F(t). गाइज क्या आप मुझे सिस्टम का ऑर्डर बता सकते हो? गाइज आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम, बताइए बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम, क्लियर है? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर। 4, बिल्कुल गाइज आप लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में एम और के काउंट कर लो। गाइज बताओ कितने मास है, 1, 2, और के कितने हैं? सर 1, 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 मास और 2 स्प्रिंग, टोटल 4 हो गए। तो गाइज बताओ यहाँ पर अगर मुझे सिस्टम का ऑर्डर पूछा गया है तो क्या काउंट करूंगा मैकेनिकल सिस्टम में, सर एम एंड के काउंट करूंगा। गाइज बताओ टोटल एम और के टोटल कितने हुए, 4, तो इस सिस्टम का ऑर्डर कितना है, 4। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये एल सी एम के का फिजिकल सिग्निफिकेंस था, दूसरा डैम्पर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो गाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो पावर का लॉस, एनर्जी का लॉस करवाता है रजिस्टर। गाइज मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी का लॉस कौन करवाता है, तो ध्यान रखना रजिस्टर के एनालॉगस है डैम्पर। तो गाइज ध्यान रखना दीज आर अवर एनर्जी लॉसिंग एलिमेंट। तो गाइज एल और सी और एम और के तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है और ये डैम्पर या रजिस्टेंस क्या होते हैं, एनर्जी लॉसिंग एलिमेंट, ये एनर्जी का लॉस करवाने वाले एलिमेंट्स हैं। गाइज दिस इज योर कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडलिंग, इफ इट इज क्लियर स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज, इफ इट इज क्लियर स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज, इट इज क्लियर एवरीवन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्लियर 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 क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गाइज, नाउ यहाँ पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइज, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन से, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सर्वो मोटर से। ध्यान से समझिएगा गाइज, दो मुझे दो नहीं तीन टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने, दो ही मान लीजिए, इस सर्वो मोटर के दो पार्ट है, दिस इज द लास्ट थ्योरिटिकल पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर, और 5 मिनट विद इन 5 to 10 मिनट्स हम लोग हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा गाइज, सर्वो मोटर में दो मोटर हैं, पहली आती है फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर, कौन सी, फील्ड कंट्रोल वाली गाइज, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा बनता है कि इसमें हमारे पास यहाँ 1/RF + SLF बनता है। थोड़ा सा आगे जाऊं तो गाइज इसमें हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज K1, हियर इट इज, थोड़ा सा आगे जाऊं तो गाइज हमारे पास यहाँ एक और कॉन्स्टेंट आता है K2, और हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक यहीं पर बन जाता है 1/JS + T, हियर इट इज, और यहाँ हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है गाइज, गाइज मोटर है, मैकेनिकल सिस्टम है, मोटर हमेशा आउटपुट में क्या देती है, मैकेनिकल आउटपुट। तो गाइज यहाँ ओमेगा या थीटा आ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिकल में हमारे पास जनरली V(S) आ जाएगा। क्लियर गाइज, हमारे पास फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर से दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कौन सा सिस्टम होता है, ओपन लूप या क्लोज लूप। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा गाइज कि हमारा कौन सा सिस्टम है, तो गाइज दिस इज अवर ओपन लूप सिस्टम, हियर इट इज, कौन सा सिस्टम है गाइज, ओपन लूप सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज क्या है, आप लोगों से पूछता है गाइज कि आप लोगों के फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर में कितने ट्रांसफर फंक्शन है, तो गाइज दो ट्रांसफर फंक्शन है, एक इलेक्ट्रिकल
जिसमें आर और एल हो इलेक्ट्रिकल और जिसमें डैम्पर और जे यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। तो गाइज दो टाइम कॉन्स्टेंट बनते हैं गाइज, जब आप यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट निकालते हो इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट, तो गाइज यहाँ से निकलता है एल एफ अपॉन आर एफ। आई थिंक मेरे ख्याल से एल अपॉन आर आर एल सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट सबको याद होगा। तो गाइज दिस इज अवर फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट। दूसरा टाइम कॉन्स्टेंट मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट होता है गाइज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है सिंपली जे अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला गाइज। गाइज ये हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो टाइम कॉन्स्टेंट। अब यहां से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि अगर आपको फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है तो उसके लिए मोटर का टाइम कॉन्स्टेंट कम से कम होना चाहिए, यानी मोटर की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। गाइज स्पीड अच्छी होने के लिए सिस्टम फास्ट होना चाहिए, टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो गाइज बताओ कम से कम टाइम का मतलब है हमारे फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम से कम और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पूछता है कि आपके फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर का स्पीड अच्छा होने के लिए या परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम और उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे और ओपन लूप सिस्टम में ये क्लियर होगा। गाइज इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा सीधे हम लोग फील्ड कंट्रोल के बाद कौन सी मोटर पे आएंगे, आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर। कौन सी? आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर। गाइज अभी आज की फीस जमा नहीं हुई है आपकी, अभी तक सिर्फ 360 लाइक आए हैं, 500 लाइक चाहिए क्लास खत्म करने से पहले, तब तो कल जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आऊंगा, अदरवाइज वही सड़ा सा मुंह बना के आऊंगा, बोलूंगा देखो बेटा ऐसा होता है। मुझे एक सर ने कहा था हमारे कि सर मेरा हाईएस्ट है, मेरे लाइव 350 है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। मैंने बोला सर मैं अपनी डिमांड पे कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करवा रहा हूँ, 350 का रिकॉर्ड तो मैंने तोड़ देना आप लोग का, और पहले दिन में तोड़ देना है। और हालात देख रहे हो तुम, 215 लाइव के ऊपर नहीं गए अभी तक, हाईएस्ट 215 गया अभी तक। अरे 350 कैसे पहुंचोगे भाई? और कल से तुम, मुझे याद है अगर मैंने वीडियो प्राइवेट नहीं कराया तो तुम लोग भी बाद में देखेंगे सर। ये पता नहीं बाद क्या होता है, बाद नहीं अब तक अभी इस फ्रिक्वेंसी से तुम देख ही नहीं सकते इतने कम टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो गाइज आप लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ भाई, मुझे जो है ये लाइव जैसे ही कम गए, 200 से नीचे जैसे ही गए, पिक्चर खत्म, पिक्चर खत्म, ध्यान रखना इस बात का, बिल्कुल प्रिंस इसी को बोलते हैं। तो गाइज बताइए आर्मेचर बेटा दोनों ही ऐसी सर्वो मोटर है ना। गाइज दूसरा हम आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर की बात करें तो गाइज हम लोग यहाँ डीसी और एसी दोनों सर्वो मोटर पढ़ते हैं, फील्ड और आर्मेचर दोनों कंट्रोल, ध्यान रखना हमारे पास सीधे क्वेश्चन इन्हीं से आता है। तो गाइज आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर में जब आप अपना डायग्राम बनाते हो तो गाइज इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ VF की जगह VAS दिया जाता है। पहली बात यहाँ समिंग पॉइंट हम लोग सबसे पहले देते हैं, हियर इट इज समिंग पॉइंट। गाइज इसमें सबसे पहला ब्लॉक बनता है हमारे पास 1/, यहाँ RF प्लस ऐसे है वो फील्ड वाइंडिंग था, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, क्लियर गाइज। तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्स्टेंट बनता है K1 और उसके जस्ट बाद हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट JS प्लस D आ जाता है एज इट इज। और गाइज यहाँ हमारे पास ओमेगा S, हियर इट इज, हियर इट इज। और गाइज हम लोग यहाँ एक कॉन्स्टेंट के साथ यहाँ पर बैक EMF के साथ उतरते हैं और ये बैक EMF जो है गाइज इसको हम लोग K2 कॉन्स्टेंट के साथ कहाँ से ला रहे होते हैं, आउटपुट से। गाइज पहले तो बताओ आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर का सिस्टम हमारा ओपन लूप होता है या क्लोज लूप होता है? तो गाइज ध्यान रखें कौन सा सिस्टम है हमारा, क्लोज लूप सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है हमारा, क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम। अगर आप मेरी एक्चुअल एनर्जी देखना चाहते हो तो एक बार 350 लाइव पहुंचाओ पहले, ठीक है ना। जिस दिन 350 लाइव हो गए ना उस दिन कंटेंट और थोड़ा सा ये देख के चलना कि क्या हमारे पास आता है। मुझे 350 लाइव चाहिए, 350। दिस इज क्लोज लूप सिस्टम, ध्यान से सुनना गाइज। क्लोज लूप सिस्टम में भी हमारे पास दो टाइम कॉन्स्टेंट है गाइज, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा हमारे पास कौन है गाइज, मैकेनिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट की बात करूं तो सेम एज इट इज, दिस इज LA/RA, हियर इट इज। नेक्स्ट गाइज अगर मैकेनिकल सिस्टम में चलूं तो टाइम कॉन्स्टेंट इज सिंपली J/D। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बाकी कंसेप्ट सेम होंगे। आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर की स्पीड को फास्ट बनाने के लिए टाइम कम से कम, यानी कि इसका इंडक्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ पर भी टाइम कम रखने के लिए इनर्शिया कम और डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा। अब बताओ क्लोज लूप सिस्टम अच्छा होता है कि ओपन लूप सिस्टम अच्छा होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोनों मोटर में से कौन सी प्रिफरेबल मोटर है, तो गाइज आप सबको याद है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में बेटर सिस्टम विल बी द क्लोज लूप सिस्टम। इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछे कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों में से कौन सी मोटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो ध्यान रखना बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्लोज लूप सिस्टम यानी कि आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर इज ऑलवेज प्रिफर्ड देन फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर ड्यू टू द क्लोज लूप सिस्टम। सो बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं।
गाइस दिस इज ओवरऑल अबाउट द सर्वो मोटर. स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस. इट इज क्लियर है एवरीवन? क्लियर? 400 लाइक पहुंचा बेटा, 500 से नीचे बात ही नहीं करना मैंने. ध्यान रखना वीडियो में अभी एक घंटा बाकी है, 500 लाइक चाहिए. क्लियर एवरीवन? ओके, स्क्रीनशॉट टेकन गाइस. सर्वो मोटर के अलावा हमारे पास एक टेको जनरेटर, किसके लिए गाइस? टेको जनरेटर या टेको मीटर भी आप लोग कह सकते हैं गाइस, और टेको मीटर हम लोग कहते हैं. तो गाइस टेको जनरेटर या टेको मीटर के लिए हमारे पास एग्जाम में सीधे टाइम कांस्टेंट पूछ लिया जाता है गाइस. ध्यान रखना इसका टाइम कांस्टेंट, हमारा ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया जाता है. ट्रांसफर फंक्शन गाइस ध्यान रखना इसका होता है केटीएस. केटी का मतलब टेको का कांस्टेंट, बाकी के एस भी लिख सकते हो. इसका ट्रांसफर फंक्शन गाइस डायरेक्ट याद रखिएगा ये, ठीक है? डेराइव में आप लोगों को क्लास में करवाता हूँ, यहाँ डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है गाइस. दिस इज ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर डन. स्क्रीनशॉट लेके डन करें और कैलकुलेटर, कॉपी, पेन जो भी लेना फटाफट से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? आई थिंक गाइस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए. क्लियर है? ध्यान से दोबारा से पहले स्लाइड से देख लीजिए गाइस, किसी का छूट गया हो, कोई लेट ज्वाइन किया हो, तो सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से. ये पहला स्क्रीनशॉट, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में कंपैरिजन. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा गाइस. हियर इट इज, 1 2 3. क्लियर? डन. सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस. 1 2 3. क्लियर? क्लियर. बीडीआर, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक. क्लियर गाइस? तीसरा गाइस, ये बीडीआर की लास्ट प्रॉपर्टीज. 1 2 3. क्लियर? स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस. इट इज गाइस. नेक्स्ट एसएफजी, दिस इज ओवरऑल एसएफजी, जिसको एक क्वेश्चन से समझाया गया है. स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस. 1 2 3. क्लियर. गाइज दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है गाइज. स्क्रीनशॉट लेंगे. 1 2 3. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ आ जाइए गाइज. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम दो एनालॉजी के थ्रू गाइज. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. 1 2 3. क्लियर. नेक्स्ट गाइस, दिस इज अवर सर्वो मोटर, फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, जितने क्वेश्चन है सारे लिखा दिए गए हैं. स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस. 1 2 3. क्लियर. नेक्स्ट चलेंगे गाइस, दिस इज अबाउट द टेको जनरेटर और टेको मीटर. राकेश क्या हो बेटा, टेको के बारे में बता दे बेटा. टेको जनरेटर में हमारे पास जनरेटर का आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल. तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट करना है. बेटा बताओ आउटपुट क्या होता है हमारे पास? तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है हमारे पास E, और आई थिंक मेरे ख्याल से आपको E का फॉर्मूला पता होगा बेटा. हम लोग जनरेटर में पढ़ते हैं 5PNZ/60A. हियर इट इज द फॉर्मूला. और आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों ने मशीन में पढ़ा हो, N बराबर होता है क्या आप लोगों का? ओमेगा बराबर होता है 2πN/60. तो गाइज N और ओमेगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप यहां से लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू N, और N की जगह लिख सकते हैं ओमेगा. N की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा. और गाइज मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर याद हो तो ओमेगा क्या होता है? दिस इज d θ/dt. क्या होता है? d θ/dt. सर थीटा क्या है? ये एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर दोनों का लाप्लास ले लें तो, अगर दोनों का लाप्लास ले लें तो इधर es और यहाँ कांस्टेंट मान लीजिए kt, और d θ/dt का लाप्लास आपको याद होगा गाइज s θ होता है. गाइज मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. तो जनरेटर आउटपुट क्या देगा? EMF, और इनपुट क्या लेगा? मैकेनिकल रोटेशन. तो गाइज बताओ थीटा एस नीचे ले आऊं तो कितना हो गया? s × kt. अब ज्यादा शाणपत्ती नहीं, पूरा डेराइव करा दिया, बात खत्म. बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर. स्ट्रॉन्च, इट इज नॉट अबाउट ओनली स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के अलावा हम हर चीज में क्लोज लूप में बेटर हैं, और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल को प्रीफर करते हैं. ठीक है बेटा? अभिषेक बैंडविड्थ अभी नहीं आएगी बेटा, फोर्थ चैप्टर में आएगी, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्वेंसी डोमेन, तब आएगा. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन का कंसेप्ट गाइज हम लोग शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा. तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. मैंने आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, जिसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया था. तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट है. अब कहे अनुसार 1 घंटा न्यूमेरिकल का सेशन खेलेंगे गाइज. यहाँ आ जाइए फटाफट, न्यूमेरिकल का सेशन आप लोगों के लिए बेहतरीन वाला लेकर आया हूं मैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज.
आप लोगों के बेहतरीन वाले आंसर का इंतजार कर रहा हूं, और ध्यान रखना मुझे मुझे इस वक्त क्वेश्चन कराते समय भाई साहब 250 बच्चे चाहिए। अब आप कहीं पर भी शेयर करो, जैसे ही अगर 200 से नीचे पहुंचे पहली बात मैंने ध्यान रखना क्वेश्चन बंद कर देने, क्वेश्चन कम कर देने मैंने, फटाफट से इसका आंसर करो, वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जी और एच का वैल्यू बताइए, आंसर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद साहब आज पहला लेक्चर है, गाइस गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बेटा थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आज उसके न्यूमेरिकल हो रहे हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है स्टार्टिंग से लेक्चर देख लेना, मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बीच में पूछोगे बेटा मैं ब्लॉक मार दूंगा, है ना। तो अभी तक जितने लोगों के आंसर आए हैं डी आंसर आया है, बाकी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं गाइस। दिस इज द लेवल जो आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस का लेवल रहेगा किसी भी एग्जाम में। सभी जगह शेयर कर दिए तो ये अभी तक 250 कैसे नहीं पहुंचे भाई, है 250 नहीं पहुंचे अभी। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन, लिसन वेरी केयरफुली। सो हमारे पास दो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिए गए हैं गाइस, और आप लोगों से वैल्यू ऑफ जी एंड एच आप लोगों से पूछी गई है। क्या पूछा गया गाइस, वैल्यू ऑफ जी एंड एच, हियर आर द टू वैल्यूज जो आप लोगों से पूछी गई है, वैल्यू ऑफ जी एंड वैल्यू ऑफ एच। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना है। गाइस बताइए अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो गाइस बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो गाइस एक फॉरवर्ड पाथ और एक फीडबैक पाथ, तो इसमें BDR की 8th प्रॉपर्टी लग रही है। गाइस बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। सर जी अपॉन 1+G × H, एच हम लोग फीडबैक पाथ को कहते हैं। तो गाइस बताइए यहां से कितना आ गया हमारे पास, हाउ मच इट इज, हाउ मच आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर गाइस। तो कितना हो जाएगा, 4.5 × 2, तो ये 4/3 आ रहा है आई थिंक मेरे ख्याल से गाइस, ना दिस इज 4। अच्छा उसको तो रखना ही है, अच्छा 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 चलिए उसको तो रखना ही है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए गाइस। बताइए गाइस इसमें हमारा फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना हो जाएगा। तो गाइस बताओ दोनों कैस्केडेड में 5 × 4, तो गाइस बताओ 5 × 4 कितना हो गया 20। तो गाइस बताओ फॉरवर्ड पाथ का गेन जी कितने किसके बराबर हो गया है, तो 5 × 4 हमारे पास कितना हो गया गाइस, 5 × 4, तो जी बराबर हो गया फॉरवर्ड पाथ का गेन 5 × 4 यानी 20। हियर इट इज गाइस, आप लोगों को फीडबैक पाथ दिखाना है एच वाला। तो गाइस बताओ ये मैं इस फीडबैक पाथ को निकालू तो कितना होगा गाइस, तो 4 × 0.5, आई थिंक बोथ आर इन कैस्केडेड इन द लूप, 4 × 0.5। तो गाइस बताओ एच बराबर क्या लूंगा, सर 4 × 0.5, गाइस बताइए कितना हो जाएगा 2। तो गाइस 20 × 2, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज द क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज क्लियर है, क्लियर होगा आई थिंक गाइस। बताइए क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डन एवरीवन, everyone clear, clear to you, I think clear होगा guys। अभी आप लोग चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, मान लीजिए इस तरह से नहीं आ रहा, कई तरीके हैं। तो guys इसमें आपको forward path का gain लिखना है, forward path का gain सीधा सीधा है 5 × 4। guys आपको loop लिखना है, तो guys loop कैसे लिखोगे, सर 4 × 0.5, 4 × 0.5, और guys आप लोगों को यही देना है forward path और एक loop, here it, these are the things। तो guys वही 20 × 2, जैसे भी आप लोग लिखना चाहो that is okay। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्लियर। तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया अभी तक, डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3, क्लियर, क्लियर, गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइज, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, ओनली जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। दिस इज द लेवल जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Give me the answer for this one. Overall gain for the block diagram shown in the below figure will be what? Overall gain batana hai guys. Give me the answer for this one. Waiting for your response. So guys, I think ye bhi forward path, ye bhi forward path. Toh pehle ye dono add ho jayenge. Toh G1 plus G2. Guys, ye bhi forward path, dono add ho jayenge. Toh G3 plus G4.
और गैस बताओ इस ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक कैस्केडेड में सीरीज में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गैस G1 प्लस G2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? G3 प्लस G4 से। तो गैस G1 प्लस G2 को मल्टीप्लाई कर दिया G3 प्लस G4 से। डी आंसर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दिया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइस। इफ इट इज क्लियर टू यू देन स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे। डन 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 डन। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आप लोगों से नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ पूछेंगे गाइस। गिव मी द आंसर कि इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। बिल्कुल राजेश, यही जेई लेवल है ना, जेई एई के एग्जाम में आप लोगों को यही लेवल मिलेगा। बिल्कुल, अब क्या अलग अलग नाम लू क्या यार, पावर ग्रिड एंड ऑल बोल रहा तो है लेक्चर के स्टार्टिंग में। कंट्रोल सिस्टम से जितने एग्जाम में जो जो लेवल आता है सारे कंबाइंड लेवल हैं ये पूरा, है ना। चलें, क्या आंसर दिया आप लोगों ने इसका? कोई 3 दे रहा है, अच्छा कोई बी दे रहा है, और ठीक है यार, बात तो एक ही है गाइस। देखो दोबारा ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं हो जाए। खुशी के अलावा सबका आंसर गलत है। देखो पहला फॉरवर्ड पाथ देखा होगा आपने, ए बी एफ, ये ए डी एफ एच। आई थिंक गाइस देखो पहला फॉरवर्ड पाथ के लिए आप लोग कौन सा मार्ग फॉलो कर रहे हो, Y1 से Y2, Y2 से Y3, Y3 से Y4 और फिर Y5। हियर इट इज गाइस, इसमें चार फॉरवर्ड पाथ है, तुम देख ही नहीं पाए, यही तो चक्कर है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ है गाइस ये ई के थ्रू बाहर, तो Y1 से Y4 Y5, Y1 से Y4 Y5। गाइज आप लोगों ने एक फॉरवर्ड पाथ छोड़ दिया है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ Y1 से Y2, फिर Y3 और फिर G के थ्रू सीधे Y5 पर। हियर इट इज, तो एक तो ऊपर से गए, एक बार नीचे से गए, अभी एक छूटा हुआ है चौथा फॉरवर्ड पाथ। देखो गाइज ध्यान से देखना, मैं गया कहां से, सबसे पहले E, यानी कि Y1 से Y4। गाइज Y4 से मैं आया कहां पर, आप लोगों का Y2 पर, Y2 पर, और Y2 से गया गाइज मैं कहां पर, Y3 पर, Y3 पर, और गाइज Y3 से चला गया मैं Y5 पर। आपने ये चौथा वाला पाथ नहीं बनाया गाइज, कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा, देख सकते हो। चार यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा फॉरवर्ड पाथ काफी लोगों ने मिस किया है, बताइए चौथा फॉरवर्ड पाथ क्लियर है कि नहीं, बोलिए इट इज क्लियर ऑन आर्ट, क्लियर ऑन आर्ट, क्लियर ऑन आर्ट। इट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। अभी भी देखो पूजा का आंसर 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम सब लोग, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहां जाइए, हियर इट इज, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस, जस्ट वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर योर आंसर। हियर इट इज, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से पूछा गया है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। यू विल गिव मी द आंसर विद इन 30 सेकेंड। सरिता नहीं होगा बेटा, 5 करके भेज देना, स्क्रीनशॉट दिया ना आपने, 5वां मुझे बता देना बेटा, नहीं बनेगा है ना, 4 ही बनेंगे बेटा, नोट रिपीट कर जाएगा बेटा, है ना। गाइज इसका आंसर देंगे आप लोग, अभी तक आंसर नहीं आया है इसका, तो काफी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं। सरिता नोट बनाकर बता दीजिए बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, नहीं बनेगा बेटा, बता रहा हूं ना, नोट रिपीट कर जाएगा, चेक कर लो बेटा, बन जाए तो मुझे भेज देना, है ना। बताइए गाइज, सबसे पहले तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा गाइज, इसमें 8th प्रॉपर्टी लग जाएगा गाइज। गाइज बताओ इसमें 8th प्रॉपर्टी का मतलब है, दिस इज जी अपॉन 1, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब बीच में माइनस, जी इंटू 1 अपॉन जी। तो गाइज जी से जी कट गया, 1 माइनस 1 0, यानी ये इनफाइनाइट आ गया, तो आंसर वैसे इंफिनिटी हो गया, और यानी पूरा सॉल्व करने से पहले ही हो गया। और अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो इसका SFG बना लो गाइज, SFG बनाओगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, तो फॉरवर्ड पाथ है जी,
अपॉन वन माइनस. अब लूप लिखना है गाइज, पहला लूप यही बन जाएगा. कौन सा है गाइज? दिस इज जी इंटू वन अपॉन जी. हियर इट इज. इससे नहीं, इसको एस एफ जी से कर लेते पूरा ओवरऑल, शायद इन्फिनिटी ना बने, ओवरऑल करें ज्यादा बेटर है. तो गाइज बताओ, हमारे पास पहला लूप क्या बना? ये बना जी इंटू वन अपॉन जी. और गाइज दूसरा लूप ये बनेगा जी इंटू वन प्लस का जी इंटू वन. देखो नहीं बना, हा 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 हा, इसीलिए तो गलतियां कर रहे हो तुम. तुमने पूरा ट्रांसफर फंक्शन नहीं बनाया. यहां से दो पाथ जाएंगे, एक तो इधर और एक इधर. तो आपने पहले लूप से क्वेश्चन कर दिया, दूसरा लूप भी तो ऐड होगा, तो दूसरा लूप ये वाला ऐड होगा. दिस इज जी. अब जी से जी कट गया, ये तो वन बचा. तो गाइज बताइए कितना हो गया, जी अपॉन वन माइनस वन और ये माइनस का जी. तो गाइज बताइए, वन से वन कट गया, दिस इज माइनस वन. सबका आंसर गलत, ए इज द करेक्ट आंसर. दिया क्या किसी ने? ए दिया क्या? ए दिया क्या? चेक कर लेता हूं मैं. गणेश शंकर ने और अमन ने, दो लोगों ने दिया था शायद से. वन लिखा हुआ है, सरिता ने वन लिखा हुआ है. ठीक है, मुबारक हो गाइज, मुबारक हो. आप लोगों का कौन सा? ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर टू यू और नॉट? Tell me guys, it is clear to you or not? Clear है, clear है, clear है. शुभम 8 बजे क्लास स्टार्ट होता बेटा ना, 8 बजे. Clear है everyone? Clear. Okay, so we will go for the next question. तो guys पहला forward path लिखा, that's a dg upon 1 minus sfg में नीचे loop आते हैं, तो loop लिखा पहला g into 1 plus g और एक g into 1. Here it is. Next question पर चलेंगे guys. Here is the next question. Give me the answer for this one guys. Give me the answer for this one. Give me the answer for this one. Just waiting for your answer, guys. Waiting for your answer. ये तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ा होता है, लेकिन होता है. बताइए इसका आंसर, बताइए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर. गाइज अभी तक 500 लाइक नहीं आए, मैं आपको बता दूं अभी तक 432 ही पहुंचे हैं. मुझे क्लास खत्म होने से पहले 500 चाहिए लाइक, है ना, अटेंडेंस चाहिए. ठीक है, सॉल्व करें गाइज. वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. तो गाइज आप लोगों से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, ओपन लूप दिया गया है. तो गाइज बताओ, ओपन लूप यानी जी दिया हुआ है, दिस इज जी. तो गाइज बताओ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आज ही हमने पढ़ा हम लोग, नेगेटिव फीडबैक होगा. देखो नेगेटिव फीडबैक, तो जी अपॉन वन प्लस जी एच लेते हैं, और फीडबैक एच का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, यानी एच का वैल्यू वन है. यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का मतलब एच का वैल्यू वन है, तो सिर्फ जी का वैल्यू पुट करना है. गाइज दिस इज k upon s, s plus 2, s square plus 2s plus 2 upon 1 plus k upon s, s plus 2, s square plus 2s plus 2. ये आप लोगों को सॉल्व करना है गाइज. दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, कट जाएगा, तो गाइज ऊपर बचेगा k upon कितना हो जाएगा गाइज, तो ये इधर आ जाएगा गाइज. दिस इज s, s plus 2 s square plus 2s plus 2 plus k. Here it is. This is your transfer function. K लिखा हुआ ऊपर, ठीक है. Here it is. Guys, इसे solve करना है अब आप लोगों को. क्या पूछा है आप लोगों से? Closed loop transfer function for k बराबर 1. तो guys, k का value 1 रखने को बोला है, तो ये लो k बराबर 1 रख पुट कर देते हैं. Guys, इसे open करना है आप लोगों को. k बराबर 1 पुट कर दीजिए, ये रहा k बराबर 1. Guys, आप इसे open कर दीजिए. Guys, ये वाला और ये वाला तीनों आंसर आ जाएगा. तीनों सेम ही है. इसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा. इसको इसको s प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला लिख सकते हो. मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइज. ये तीनों के तीनों ऑप्शन सेम है, और ये इस इसका आंसर है तीनों के तीनों. सो द आंसर विल बी बी सी एंड डी. आंसर क्या होंगे इसका? बी सी एंड डी. सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बेटा आते नहीं हो तो मैंने ऐसे डाल दिया था. मैंने कहा कुछ तो गलत करूं तुम्हारा. मुझे लगा था तुम बाकी के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे. मैंने सोचा एक तो गलत करवाऊं, लेकिन मुझे क्या पता था तुम शुरू से ही गलत करते आओगे. बस पहला क्वेश्चन सही किया है तुम लोगों ने. बताइए दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? k बराबर 1 के लिए निकालना था, k की जगह 1 पुट कर दिया. इसे ओपन करोगे तो ये चारों तीनों के तीनों सेम ही है. ये तीनों के तीनों सेम ही है. बोलिए इज इट क्लियर और नॉट?
अच्छा हमने खेला कर दिया, बिल्कुल बेटा ममता बनर्जी कर सकती तो हम भी कर सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट टेकन, 1 2 3 क्लियर। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइज, इसके लिए आंसर करेंगे। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। डायरेक्ट दे सकते हो इसका आंसर तो यार, फोर्स करंट और फोर्स वोल्टेज एनालॉगी अभी भी बताई थी आप लोगों को। फोर्स करंट एनालॉगी में बोला है कि हमारा कैपेसिटेंस किसके एनालॉगस होता है, बताइए गाइस किसके एनालॉगस होगा। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। तो गाइस फोर्स करंट एनालॉगी बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। हिमांशु नहीं माना जाएगा, बोला तो है यार हिमांशु अभी कि क्वेश्चन नहीं आता ऐसा, फिर ऑप्शन आता है और बी सी एंड डी तीनों के साथ एक ऑप्शन आएगा, वैसे भी 5 ऑप्शन आएंगे आपके आरएसीबी में। बिल्कुल गाइस, तो अभी थोड़ी देर पहले फोर्स करंट एनालॉगी में लिखा है गाइस कैपेसिटेंस किसके एनालॉगस होता है, मास के। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीन शॉट लेके डन कर ले गाइस। ध्यान रखना ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें से बैठ जाएगा, अगर आपके किसी भी एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 इनमें से बैठ जाएंगे जो आपको मैं 6 दिन में करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे। 1 2 3 डन डन, क्लियर क्लियर गाइस, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फोर्स करंट एनालॉगी। चलिए गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, सोच समझ के दीजिएगा। अभी पढ़ाया आप लोगों को ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम, उसी पर डिपेंडेंट, उसी पर डिपेंडेंट आप लोगों से पूछा गया है। एज कंपेयर टू द क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम इज वॉट, ओपन लूप के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों में प्रॉपर्टीज लिखाई थी, आपको ओपन लूप की बतानी है गाइस। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस। 451 लाइक, अभी भी 49 लाइक्स बाकी हैं गाइस, लगभग 50 लाइक बाकी हैं 500 होने में। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, ओपन लूप सिस्टम का आंसर देना है गाइस, गलती का कोई चांस नहीं। 7 प्रॉपर्टी लिखाई थी पहले ही पेज पर। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, मोर स्टेबल और एक्यूरेसी कम होती है, लेस एक्यूरेट, तो मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज अबाउट द ओपन लूप सिस्टम, इट इज और नॉट। अभी भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, दिनेश कहां से सीखा बेटा है, ललित कहां से आंसर दे रहे हो बेटा, रवि शुरू से क्लास ले रहे हो फिर भी गलतियां, डी कैसे आ जाएगा है? बोला हुआ है ओपन लूप सिस्टम का पूछा है, एज कंपेयर टू द क्लोज लूप, ओपन लूप के बारे में पूछा है और आंसर दे रहे हो क्लोज लूप के हैं? बोलो क्लियर है ये भाई, ये कौन है इलर, ये यूपीपीसीएल के कब से स्टार्ट होगी बेटा, इतने मैसेज नहीं करते हैं, सर का भेजा जल्दी गर्म होता है ना, इतने मैसेज ना करो तुम, यूपीपीसीएल की तैयारी ने सब ब्लॉक करवा दूंगा मैं तुम्हारा, लिमिट से बेटा लिमिट से आंसर करें गाइज इसका। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, यार ये लड़का तो मान ही नहीं रहा, चलो एक मिनट ब्लॉक कर देते हैं, 1 मिनट गाइज, तब तक आप लोग आंसर करें। ये ब्लॉक, हाँ भाई बाकी लोग आंसर करें गाइज, गलती से भी गलती मत करना मेरी क्लास में। तो गिव मी द आंसर गौतम, जितना काम का है बता रहा हूँ बेटा, है ना, एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं है एप्लीकेशन, पढ़ो यहाँ पर जो चल रहा है। बताओ गाइस कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं क्लोज लूप सिस्टम के लिए, कौन कौन सा लग रहा है, पहला वाला लग रहा है क्या, सेंसिटिविटी बढ़ाता है क्या, गलत है सर, सेंसिटिविटी आप लोगों को मैंने बताया क्लोज लूप में कम होती है कंपेयर टू द ओपन लूप चल रहा है सब। इट मिनिमाइजेस इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। There is a possibility of instability, बिल्कुल सही है, instability के chances बन जाते हैं क्योंकि stability कम होती है। It improves the transient response, बिल्कुल सही है, हर तरह की performance अच्छी हो जाती है closed loop में। It reduces the bandwidth, नहीं increase करता है, गलत है। It increases the effect of non-linearity, बिल्कुल non-linearity को हमारे पास sorry कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है, ये गलत है। कौन कौन सा सही है, 2, 3 and 4, तो सर बाकी जो गलत है उनको क्या कर देना, इन्वर्स कर देना, यानी इंक्रीज की जगह सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देना, या बैंडविड्थ रिड्यूस की जगह इंक्रीज कर देना, और नॉन लिनियरिटी के इफेक्ट को इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देना। स्क्रीनशॉट लेके डन मारो, स्क्रीनशॉट लेके डन मारो, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइज, क्लियर
क्लियर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज द क्वेश्चन. ओहो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटा करना पड़ेगा साइज. ठीक है तो गाइज सीधे आंसर करो, SFG लगाओ, सीधे आंसर करो. वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर SFG बना हुआ है, मैसन्स गेन फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर करेंगे गाइज. जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर. क्या हो गया भाई, 170 लाइक ही लाइव ही रह गए यार, 200 चल रहे थे ना, 215 220 क्या हो गया इनको. गाइज मैं क्वेश्चन बस बंद करने वाला हूँ ना. कितना हो गया, 9:30 हो गए, बस अब बंद कर दूंगा है ना. लाइव तो है नहीं, 170 बच्चे लाइव में कैसे पढ़ाऊंगा बताओ, 170 से काम ही नहीं चलता भाई साहब. बंद होगी अब ये क्लास, आज के क्वेश्चन काफी हैं आपके. बिल्कुल राजेश जी, 5 ऑप्शन से आएगा है ना. आंसर करें इसका फटाफट से, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, खत्म करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है आई थिंक आप लोगों का. 171, 172 लाइव चल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा यार. अरे आंसर कब करोगे, इतनी देर थोड़ना लगती है, इतना टाइम नहीं है बेटा. 60 मिनट मिलेंगे 60 क्वेश्चन के लिए, स्पेशली RSCB वालों को. और इतना वेरिएशन नहीं चलेगा, CB आ गया, AB आ गया, BB आ गया, अरे कैसे चलेगा रे बाबा. फॉरवर्ड पाथ देखो, G1, G4, G2. देखो पहला फॉरवर्ड पाथ G1, G4, G2. देखो आप लोगों में से ज्यादातर सी दिया है तो इसी को चेक कर लेता हूँ. देखो G1, G2, G4, ठीक है. नेक्स्ट है आपका G1, G4, G3 और बाहर, ऊपर से G1, G4, G3 बाहर, G1, G3, G4 ये आ जाएगा. अब लूप देखेंगे तो 1 माइनस लगा होता है पहला लूप, G1, G4, H1, G1, G4, H1 बिल्कुल सही है. दूसरा लूप G1, G2, G4, H2 वाला, ये वाला देख लेते हैं, G1, G4, G2, H2, बट ये तो प्लस का आना चाहिए क्योंकि ये माइनस का है, ये तो नहीं आएगा भाई जी, ये तो गलत है भाई साहब. तो अभी तक मुझे ये वाला लग रहा है अब, और ये वाले तो सेम है ही फॉरवर्ड पाथ, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट लूप हमारा है G1, G4, G3, 1 into H2, तो G1, G3, G4, H2 और वो भी माइनस फीडबैक है तो किसका हो जाएगा, प्लस का. आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर गाइस. देखो कितने लोगों का सही है बेटा, 8 बजे से शुरू होती है बेटा, 8 बजे से शुरू से देख लेना ना लेक्चर को, ठीक है. फटाफट से क्लास कल तब होगी बेटा टाइम पर जब आज मुझे लाइव दिखेंगे. 175 लाइव चल रहे हैं, कैसे काम चलेगा, इतने में तो अटेंडेंस ही नहीं होती तुम्हारी. और अभी तक 470 अटेंडेंस है, 500 अटेंडेंस नहीं पहुंची है. ये क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, इट इज क्लियर. विशाल 8 से 10 क्लास होती है बेटा, है ना, क्लियर होगा गाइस. नेक्स्ट चलेंगे गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर. तो सी जिन्होंने सही किया, गलत सही बताया था गाइस, सही कर लेना बेटा, उसको बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी आएगा, है ना. फीडबैक अच्छे से देखो, नेगेटिव है बाहर, नेगेटिव होता है जो नेगेटिव में आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है. गाइस बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन टचिंग लूप पेयर की डेफिनेशन पूछी है. नॉन टचिंग लूप्स आर सेट टू बी नॉन टचिंग व्हेन व्हाट, अभी लिखवाया था आप लोगों को अंदर थ्योरी में, गलती का कोई चांस नहीं बनता है, गलती का कोई चांस नहीं बनता है. What will be the answer? क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन लूप या कॉमन नोड, डू नॉट हैव कॉमन नोड, अभी बताया था आप लोगों को थ्योरी में. दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर. स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज, इन क्वेश्चन का अच्छे से कलेक्शन कर लेना. मैं पहले बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो, कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली के, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है. स्क्रीनशॉट लेके डन करें. टैगन टैगन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Give me the answer for the next question, guys. Here it is, the next question. Here it is. Here it is. Give me the answer for this one. Waiting for the answer. Guys, आपको SFG दिया हुआ है, transfer function निकालना है. गलती का कोई chance नहीं. गलती का कोई chance नहीं. गलती का कोई chance नहीं. Just waiting for your response, guys. यार 183 लाइव है यार, कैसे काम चलेगा, 200 कैसे नहीं हो रहे हैं यार, कहां गए 200 वाला आंकड़ा है. 187 और अभी तक
सबसे मेन इश्यू 500 अटेंडेंस दर्ज ही नहीं हुई है बेटा, डेली की 500 चाहिए, जिस दिन 500 खत्म उस दिन चैप्टर खत्म। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। रवि तीन बार आंसर देने से सही नहीं हो जाता बेटा, ब्लॉक कर देता हूं मैं तुमको, याद है ना? 5 बार आंसर दिया इस बच्चे ने, कुछ तो करना पड़ेगा यार इस बच्चे का, ऐसे कैसे काम चलेगा। 6 बार आंसर दिया बच्चे ने, 7 बार दिया, 8 बार, कौन है यार ये बच्चा? ये ब्लॉक मांग रहा है क्या? चलो इसको इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। बेटा रवि मुबारक हो, तुमको इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है। बच गए हो तुम अभी अभी, क्योंकि तुम्हारे रिप्लाई बंद हो गए। गाइज सॉल्व करेंगे इसका ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, तो गाइज बताइए एस 1/s, ये एस इनवर्स को 1/s लिख सकते हो गाइज, तो बताइए क्या कहेंगे? 1/s 1/s दिस वन। तो गाइज पहला फॉरवर्ड पाथ है 1/s 1/s, हियर इट इज। गाइज डेल वन वगैरह सब एक दूसरे से टच करें तो आई थिंक डेल वन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ लिखेंगे गाइज, दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा गाइज? तो ऊपर से चलेंगे 1/s into 1, सो इट इज 1/s, हियर इट इज। और कोई तीसरा फॉरवर्ड पाथ नहीं सर, ये दो ही फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। 1 माइनस, लूप लिखते जाओ गाइज। तो पहला लूप हमारा -4 बना रहा है, तो 1/s into -4, तो गाइज ये हो जाएगा +4/s, ठीक है। दूसरा लूप, तो गाइज ऊपर से आ जाए, दिस इज +4, दिस इज +4, हियर इट इज। तीसरा लूप आ जाए गाइज 1/s into -s, और ये -2, तो गाइज ये हो जाएगा +2/s², हियर इट इज। और कोई सर? एक और है 1/s into 1 - 2, तो ये 2/s हो जाएगा गाइज, दिस इज 2/s। और कोई लूप सर? हो गए बेटा, ये 4 लूप आप लोगों के भी बन रहे होंगे, नॉन टचिंग इनमें से कोई नहीं है, सब एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अरे बेटा जोश है, टेक्नो जोश है बेटा, माफ कर दो यार। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर यहाँ जाओ गाइज, बताओ यहाँ आ जाइए। 1/s² + s, हियर इट इज। 1/s² + 1/s, हियर इट इज, हियर इट इज। गाइज यहाँ बात करेंगे तो 1 + गाइज बताओ हमारे पास एक तो है 2/s² और s कितने हैं नीचे, तो अच्छा ये 4 + 1 = 5 है, ये भी, ये 5, और ये कितने हो गए गाइज? तो 4 + 2 = 6/s हो गया गाइज, ये हियर इट इज 6/s। गाइज दोनों का एलसीएम s² आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा s + 1। नीचे बात करें गाइज तो ये हमारे पास हो जाएगा 5s² + आप लोगों का 6s + 2, हियर इट इज। गाइज देखिए ये आंसर किससे मैच कर रहा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके डन करिएगा गाइज, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज। ये राय मत दो मेरे को, किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना है, जिसने राय दी उन्हीं को कर देना, ध्यान रखना है। राय तुमको याद है मेरे को चाहिए नहीं होती है ना, पढ़ाई करो बेटा सुख शांति से। इट इज क्लियर टू यू? इज देयर एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी लूप गाइज? क्लियर एवरीवन? 1 2 3, क्लियर क्लियर क्लियर। कॉमन लेके जो सकते हैं, जो सकता है क्या सर? बेटा कॉमन इनमें से कोई नहीं है ना, जितने मैंने लिखा है सब कॉमन वाले नहीं लेने होते हैं ना, कॉमन वाले नहीं लेने। सर 4 वाला समझा दो, 4 वाला, 4th वाला, 2/s वाला। देखो बेटा यहाँ से चालू हुए, देखो दो फीडबैक पाथ है जैसे -4 से बनाऊ, तो यहाँ से पहले मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चला तो 1/s into -4, ये रहा। फिर सेकेंड फॉरवर्ड पाथ पर चला तो 1 into 4, ये रहा 4। इस फीडबैक पाथ का पाथ खत्म, अब -2 की बारी, तो यहां से शुरू हुआ पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर, तो 1/s into 1/s into -2, दिस इज 2/s². इस बार सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर चलूंगा तो 1/s into 1 into -2, तो 2/s हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चला, फिर सेकंड फॉरवर्ड पाथ से वापस आया बेटा, आई थिंक क्लियर हुआ, क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे गाइस, हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the question, give me the answer for this one guys, here it is the answer, next question, give me the answer for this one, just waiting for your answer guys, waiting for your answer. kya karoge beta chetan number ka, ye lo,
Give me the answer for this question, guys. Just waiting for your response. Just waiting for your response. Give me the answer for this question. For this question. सी आंसर काफी लोग दे रहे हैं तो चेक कर लेते हैं गाइज देखते हैं हमें गाइज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक के साथ तो आई थिंक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा गाइज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी व्हाट सो इट विल बी जी अपॉन वन प्लस जी हियर इट इज चलिए वैल्यू पुट करते हैं गाइज तो वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर यूनिटी फीडबैक तो एच का वैल्यू वन तो दिस इज वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर गाइज एस स्क्वायर प्लस 4s plus 4 plus 1 5 हो जाएगा सो दिस इज गाइज अब गाइज आप लोग इसको चाहो तो इससे इसके फ्रैक्शन करोगे तो इससे क्लोज लूप पोल मिल जाएंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a तो a का वैल्यू 1 लिख दें तो गाइज माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 20 में से 16 गया तो 4 का अंडर रूट बाहर 2 तो ये प्लस माइनस जे हो जाएगा गाइस सो सी विल बी द करेक्ट आंसर तो गाइस ये आपके क्लोज लूप के पोल स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन आस्क देव क्लास स्टार्ट होती है बेटा 8 बजे से ना 8 से 10 स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क क्लियर है गाइस जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग से क्लास नहीं लिए गाइस स्टार्टिंग से क्लास ले लेना मैं पहले बोल रहा हूँ ताकि कल की क्लास में दोबारा ये ना पूछना पड़े कि सर क्या कर रहा है क्या करवा रहे हो क्या करना है इसके बाद कौन सा टॉपिक एंड ऑल दैट ये सब नहीं होना चाहिए गाइस गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स खूब क्वेश्चन है आप जितना जल्दी रेस्पॉन्ड करोगे उस हिसाब से उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे करते जाओ क्वेश्चन को बनाते जाओ भाई 494 अभी भी 6 बच्चों की अटेंडेंस कम पड़ रही है 500 में कौन है ये 6 बच्चे गिव मी द आंसर फॉर दिस वन तो अभी तक ए और बी आंसर आए हैं बी ज्यादातर आंसर आए हैं प्रीतेश ने ए दिया है बाकी सबका बी आया है गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस इफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू मास एलिमेंट टू स्प्रिंग तो आपको ऑर्डर बताना है अभी आपको फॉर्मूला बताया था ऑर्डर का नंबर ऑफ मास एंड स्प्रिंग ही काउंट करने होते हैं ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था गाइस क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो मैकेनिकल सिस्टम में कम कौन होते हैं एम और के मास और स्प्रिंग तो देखो दो मास दे रखे हैं दो स्प्रिंग दे रखी है टोटल 4 हो गए सो बी इज द करेक्ट आंसर कौन देता है बी के अलावा कौन है आंसर कौन देता है गलत आंसर हाँ कोई दिखा नहीं मुझे अभी तक कमेंट बॉक्स में उड़ा देता मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत होने का चांस ही नहीं बनता 4 इज द करेक्ट आंसर स्क्रीनशॉट लेके डन मारेंगे निर्मल ओ निर्मल बाबा ऐसा नहीं करते हैं बाबा सी आंसर नहीं देते हैं गलत बात स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस इज इट क्लियर टू यू इट इज क्लियर चलिए गिव मी द आंसर फॉर दिस वन गाइस जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स क्वेश्चन बनाओ गाइस क्वेश्चन बनाओ गिव मी द आंसर फॉर दिस वन जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइस Give me the answer for this one. A और B दो ब्लॉक्स हैं गाइस किसमें कनेक्ट किया गया है सीरीज में सीरीज कनेक्शन आंसर क्या होगा गाइस रिजल्टेंट आंसर क्या होगा दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्ट हैं तो आंसर क्या होगा आज आपकी BDR की पहली प्रॉपर्टी थी गलती का चांस नहीं बनता है आप लोगों का दो सीरीज में है यानी कैस्केडेड में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज A into B. स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे 500 हो गए चलो बहुत बढ़िया तो बेटा 500 लाइक तो पहुंचा दिया अब 350 लाइव कब पहुंचा रहे हो ये बताओ मुझे 500 लाइक तो मार दिए तुम लोगों ने लाइव कब पहुंचा रहे हो 350 लाइव चाहिए बेटा कल आप लोगों की जिम्मेदारी है जितने अगर नहीं पहुंचे तो मैं प्राइवेट करना शुरू कर दूंगा वीडियो को कल कल का टाइम है 500 नहीं आपके 350 लाइव नहीं मिले 300 प्लस कल से प्राइवेट वीडियो और कंटेंट भी कम कर दूंगा Give me the answer for this one. आज आप लोगों ने देखा होगा पूरा चैप्टर फिक्स एक घंटे में कंप्लीट है कुछ भी मिस नहीं हुआ है इतनी बेहतरीन शिद्दत से चाहते हो तो टीचर का गला बना रहे सुरक्षित तो उसके लिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा सा हाँ गाइस आप लोगों से पूछा है द फॉलोइंग लूप्स आर नॉट वैलिड लूप्स
कौन से लूप्स वैलिड लूप्स नहीं होते, थोड़ा सा अलग पूछा है मैंने, बताएं गाइस इसका आंसर फटाफट से। कौन दिलवा रहा बच्चों की जान, कौन है ये? निर्मल? अरे बेटा जान नहीं ले रहा मैं, आंसर मांग रहा हूं तुमसे। देखो गाइस ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखो गाइस हमारे पास दो नोड होते हैं, एक होता है इनपुट नोड और गाइस एक होता है आउटपुट नोड। गाइस ध्यान रखना, आउटपुट नोड उसे कहते हैं जिसके पास सारी इनकमिंग ब्रांच हो। कौन सी ब्रांच हो? इनकमिंग, ओनली इनकमिंग ब्रांच हो। और सर आउटपुट नोड, सॉरी इनपुट नोड, इनपुट जहां से हमारे पास जाता है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होनी चाहिए गाइस। कौन सी? तो यहां होनी चाहिए आउटगोइंग ब्रांच, आउटगोइंग। तो इनपुट जहां से आउटगोइंग और आउटपुट जहां से इनकमिंग ब्रांचेस हो, ठीक है गाइस। हमारे पास एक होता है सेल्फ लूप। कौन सा लूप? सेल्फ लूप। सर ये क्या होता है? सेल्फ लूप होता है जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक बनाया सेल्फ लूप, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। गाइस ध्यान रखना, सेल्फ लूप जाता भी है किसी नोड से और किसी नोड पर आता भी है। अब जिस नोड से जा रहा है उसी पर वापस आ गया, तो इसके लिए आउटगोइंग काउंट होगा कि इनकमिंग? तो गाइस ध्यान रखना, सेल्फ लूप इज ऑलवेज काउंटेड एज अ इनकमिंग ब्रांच। किसकी तरह काउंट होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सेल्फ लूप हमेशा एज अ इनकमिंग ब्रांच काउंट होता है। तो गाइस बताओ, इनकमिंग ब्रांच तो सिर्फ आउटपुट नोड पर अलाउ है, तो यानी सेल्फ लूप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट नोड पर ही अलाउ होगा। इनपुट नोड पर कभी भी सेल्फ लूप वैलिड नहीं होता। तो गाइस बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? When writing a transfer function, which of the loops are not valid loops? कौन से लूप वैलिड लूप नहीं होते? लूप्स आर नॉट वैलिड लूप्स। तो गाइस बताओ, इनपुट नोड पर कोई सेल्फ लूप हो तो वो वैलिड नहीं होता। देखो सेल्फ लूप एट इनपुट नोड, ए वाला ही करेक्ट है, बिल्कुल। तो सेल्फ लूप किस पर वैलिड होता है? आउटपुट नोड पर। इनपुट नोड पर सेल्फ लूप वैलिड नहीं है, बिकॉज इनपुट नोड पर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस आर वैलिड और सेल्फ लूप इज एन इनकमिंग ब्रांच। तो गाइस इनपुट नोड पर हमारा सेल्फ लूप वैलिड नहीं होता। स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। गिव मी द आंसर गाइस, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। क्लियर? यूनिटी गेन वाला नहीं बेटा, यूनिटी गेन वाला कौन सा आ गया बेटा? सेल्फ लूप भी तो होता है, यूनिटी गेन वाला कौन सा लूप आ गया? क्लियर है? क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशान मान जाओ बेटा, शांत शांत शांत, ठीक है। आंसर करें गाइस, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर इट इज, जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आउटपुट नोड के बारे में पूछा है गाइस। आउटपुट नोड कौन से लोड को कहते हैं? गाइस आउटपुट नोड कौन से नोड को कहते हैं? डेफिनेशन बतानी है तो अभी बताया था। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। आउटपुट नोड अभी अभी बताया गाइस, जहां पर सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर इनपुट नोड पूछता तो कौन सी लिखते थे? इनपुट बोलता तो आउटगोइंग ब्रांच हो जाती, ठीक है गाइज। अभी अभी बताया, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज। इट इज क्लियर 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 क्लियर। ओके नेक्स्ट चलेंगे गाइज। दीपक टिकम, बी कैसे दिया बेटा? अभी तो बताया था, इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या? सो गाइज दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। तो गाइज मैंने आज आप लोगों को 16 क्वेश्चंस करवाए हैं और ओवरऑल ये आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से ये आज आप लोगों का ओवरऑल थ्योरी सेशन गाइज, जिसमें ओवरऑल पूरा फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया गाइज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल पूरा थ्योरी। तो कल गाइज कल से सेम टाइमिंग पे बने रहना है, शाम को 8 से 10। कल से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे गाइज? न्यूमेरिकल्स, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखें, 500 लाइक डेली मिलने चाहिए। ज्यादा मैं ज्यादा करता ही नहीं हूं, मतलब ज्यादा अपने को नहीं है लालच, बस 500 लाइक। और लाइव बेटा आज 200 प्लस थे, 300 प्लस चाहिए। देखो जितने ज्यादा लाइव रहेंगे ना, मेरे लिए वही मोटिवेशन है, वही आप लोगों की तरफ से फीस है, ठीक है ना।
मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, बेहतर कंटेंट के लिए सिर्फ आप लोगों का लाइव बना रहना जरूरी है। तो आप लोग ये जो कहते हो ना सर ये बाद में भी रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दैट्स नॉट द मैटर यार। आप लोगों का लाइव बना रहना मेरे लिए मोटिवेशन है, और मेरे लिए मोटिवेशन आप लोगों का कंटेंट आप लोगों का सुधर के आएगा, है ना। एक एक पॉइंट जहां मैं एक भी मिस नहीं करूंगा, मेरा माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, मैं काउंट कर रहा हूँ और तो भाई साहब 200 ही है, कैसे पढ़ाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए, मेरे माइंड पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। 350 का रिकॉर्ड तोड़ना है यार लाइव बच्चों का, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग, ओके गाइस, 8 o'clock, बने रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।